हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और योजना मासिक पत्रिका आप लोगों के सामने है। अगस्त 2022 की मार्केट वैल्यू 30 रुपये है, ओके। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक्चुअली हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों तरीके की पत्रिकाएँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, अब इसका जो टॉपिक है वो लिया गया है लिटरेचर एंड आज़ादी। तो ये जो मैगजीन है काफ़ी, मतलब इसमें सब बुक्स वगैरह के बारे में, अलग अलग जो राइटिंग्स यहाँ पर की गई उन सब के बारे में दिया गया है अलग अलग भाषाओं में। मतलब आप सोचो कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ने के लिए बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर जाने वाला है। वैसे भी हम इसको कवर तो करेंगे, ठीक है, पूरी मैगजीन को देखेंगे जो जो काम का है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्किप भी करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ को कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा या फिर कम रहे, ठीक है, मतलब 1 घंटे के आसपास रहे, जनरली 2 घंटे के आसपास रहती है। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका जो इम्पोर्टेंस है टॉपिक का वो उतना ज़्यादा नहीं है। हार्डली एक क्वेश्चन निकला तो निकल जाएगा, वो भी GS Paper 1 में, अदरवाइज़ कहीं कोई चांसेस यहाँ पर नहीं आते निकलने के कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और इतनी तो आप लोग वैसे भी स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेते हो कि आराम से एक ऐसे लिख पाओ। तो इसी सिलसिले को आगे रखते हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी, मैगजीन को पढ़ना शुरू करते हैं। जो चीज़ें बीच में आएंगी उनको छोड़ते चलेंगे। आप बस ये मत सोचना बीच में कि सब बहुत सारी चीज़ें छूट गई, वो छोड़ने के लिए ही बनाई गई थी, वो आपको नहीं पढ़नी है। पढ़ने में अच्छी लगती हैं, स्वतंत्रता की चीज़ें हैं, आपका मन भी लगेगा, ओके, लेकिन एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए और यहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को स्किप करना बेहतर समझूंगा, ओके। तो सबसे पहले एडिटोरियल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। और एडिटोरियल की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है द वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम फाइटर थे बिहार के, जो कि म्यूज़िक के काफ़ी शौकीन थे। और ये बेसिकली एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है इस लाइन में, और स्टोरी ये कहती है कि बिहार के फ्रीडम फाइटर म्यूज़िक के शौकीन थे, उनको एक बार उनके घर से उठा लिया और उनको जेल में यहाँ पर डाल दिया। उन्होंने अपनी फैमिली को एक नोट लिखा, नोट के अंदर जो है उन्होंने बेसिकली जितने भी नोट बाहर जाते थे वो सब प्रिजन अथॉरिटीज़ के द्वारा चेक किए जाते थे। जो नोट लिखा गया, प्रिजन अथॉरिटीज़ ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा सेडिशियस है, और ऐसा लग रहा था नोट को पढ़ के कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो है वो कुछ साजिश यहाँ पर की जा रही है। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि इस राज के तार ढीले कर दो, ओके, ये लाइन लिखी हुई थी। अब ब्रिटिशर्स ने पढ़ा और उन्हें लगा कि इस लेटर के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि लेट द रेन ऑफ दिस राज बी लूजेंड, मतलब ब्रिटिश राज के जो तार हैं उनको पतला कर दो, इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वो अपनी फैमिली को ये कह रहे थे कि लूजन द स्ट्रिंग ऑफ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था इस राज। तो इस राज नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसके तारों को ढीला करने की बात हो रही थी। अब ब्रिटिशर्स ने समझा कि हमारे तारों को ढीला करने की बात हो रही है, तो इतना डर शब्दों का ब्रिटिश राज को यहाँ पर नज़र आया। और यही दिखाता है कि सच इज़ द पावर ऑफ वर्ड प्ले, ये पावर जो है वो नज़र आती है, जिससे थोड़ा सा भी कहीं कुछ लिखा हुआ दिख गया तो ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसको डर लगना शुरू हो जाता था। तो इससे जो ऑपरेशर्स थे लाइक ब्रिटिशर्स, ओके, या फिर आप कह सकते हो कि और भी थे, ओके, तो उनकी जो फाउंडेशन है वो हिल जाती थी सिर्फ थोड़े से वर्ड से ही, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। वर्ड्स जो हैं वो पावर देते थे, ओके, लाइक इमेजिन करने की, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते थे, लोगों में मनोबल यहाँ पर बढ़ता था, और वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हमें इन कहानियों से, कहावत से, इन सब चीज़ों से मिल जाते हैं, ओके। और दे गिव द करेज, करेज तो यहाँ पर मिलता ही है, ताकि आप जो हैं वो रोंग जो एक्ट्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनको एक्सप्रेस कर सको या उनकी बात कर सको। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में साहित्य की भूमिका को, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है और इस तरीके से निकल करके आया, और बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उनकी वॉइस जो है वो साहित्य के रूप में यहाँ पर उभर करके आई, ओके। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन, ब्रिटिश जो ऑपरेशन था उसके अगेंस्ट जब स्ट्रगल यहाँ पर चल रहा था, फ्रीडम की हम यहाँ पर खोज कर रहे थे, तो इमेजिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने यहाँ पर रखती थी। इमेजिनेशन किस चीज़ की? इमेजिनेशन के आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, उस चीज़ की। तो कल्पना शक्ति इसको यहाँ पर कहते थे। उस कल्पना शक्ति से ही जो आप देखोगे कि आनंद मठ जैसे नए उपन्यास, उनका सर्जन यहाँ पर हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिली। शब्दों ने गीत, कविता, नारे, ये सब भी यहाँ पर जो है वो मिले, और जो अत्याचारी शासन था ब्रिटिशर्स का उसके विरोध में जो है वो हमें आवाज भी यहां पर देखने के लिए मिली, ओके। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें तो ये जो शब्द ये सब लिखा जाता था, इनने मातृभूमि के लिए एकता और त्याग की भावना को मजबूती प्रदान की। अगर मैं उदाहरण के लिए यहां पर आपसे बात करूं तो एक लाइन यहां पर दी गई है, इस लाइन का नाम है ये रहा, ओके, ये लाइन यहां पर दी गई है
लाइन कह रही है कि इही तोमार दान, तोमार होके जीवन धारण, तोमार होके प्राण, ये जो है वो लाइन यहाँ पर लिखी गई। और ये लाइन जो है वो बेसिकली मातृभूमि के लिए एकता और त्याग की बात को बताती है। याद रखने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके याद भी नहीं रहने वाली और लिखने में आप गलती करोगे। ओके, इसके अलावा डॉक्टर अनुराधा के लेख में उद्धृत की गई काजी नजरुल इस्लाम, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है काजी नजरुल इस्लाम। ओके, तो ये जो हैं फेमस बेसिकली कह सकते हैं कि इंडो बंगाली राइटर थे। ओके, और इनके बारे में स्पेशल आर्टिकल भी दिया गया है, हालांकि हम उसको पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे। ओके, तो ये इंडो बंगाली राइटर थे और इन्होंने जो है वो स्वतंत्रता की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। लाइक इन्होंने लिखा है कि कौन पूछ रहा है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान, ओ मांझी कृपा करके बताओ, जो डूब रहे हैं वे इंसान हैं, मेरी माँ के बच्चे। ये यहाँ पर सारी लाइन लिखी हुई है। ये सब लाइनें जो हैं वो बेसिकली आपके अंदर जोश तो भर देती हैं, लेकिन एग्जाम में आप इनको एज इट इज़ लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ओके, तो इनको रटना नहीं है, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है एग्जाम क्रैक करने की। ओके, तो बस इसको पढ़ो, खुश रहो और ये सोच लो कि मैगजीन हमने कवर कर ली। ओके, अभी हम इंट्रोडक्शन पर ही चल रहे हैं, अभी हमारा एडिटोरियल यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इन्होंने बेसिकली यही कहा कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, हम सब जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक ही माँ के जो हैं वो बच्चे हैं, मतलब मदर इंडिया। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं और ये सब चीज़ें। फिर यहीं ये सब बोल बच्चन वाली बात, और आगे चलते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उनके ज़रिए क्लेरियन कॉल यहाँ पर दी गई कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे उभर के आए, करो या मरो है, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके के कुछ सिम्बल्स जो हैं वो यहाँ पर आए, जिससे कलेक्टिव रेजिस्टेंस वो भी उभर करके आए। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो हम इस पूरी मैगजीन के अंदर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं कि सबसे पहला आर्टिकल जो है वो किस बारे में दिया गया है। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो पार्टीशन लिटरेचर के बारे में दिया गया है। जब विभाजन हुआ तो काफ़ी भारी मात्रा में पार्टीशन यहाँ पर निकल करके आया। उससे पहले भी पार्टीशन वो लिटरेचर लिखा जाता था, और पार्टीशन के बाद भी जो है वो लिटरेचर जो है वो यहाँ पर लिखा गया। तो पोस्ट पार्टीशन लिटरेचर भी है, प्री पार्टीशन लिटरेचर भी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी बुक्स का जिक्र जो है वो इसके अंदर में किया गया है, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें काम की हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत सारे पार्टीशन हुए, लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ये सब तो हुए। कुछ दुनिया भर की बात करें तो इंडिया पैलेस्तीन यहाँ पर हुआ, आयरलैंड इंग्लैंड का विभाजन यहाँ पर हुआ, पार्टीशन ऑफ जर्मनी यहाँ पर हुआ, पार्टीशन ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया यहाँ पर हुआ, पार्टीशन ऑफ कोरिया एंड वियतनाम यहाँ पर देखने के लिए, ये सब 20वीं सेंचुरी में यहाँ पर हुए। इंडिया का भी 20वीं सेंचुरी में हुआ। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आई। और ये जो पार्टीशन यहाँ पर हुए, हर केस के अंदर, चाहे वो दुनिया का कोई भी केस, टेरिटोरियल जितने भी पार्टीशन यहां पर हुए उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोगों के लिए भी आई, क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है वो तो डिस्टेबलाइज हो गई। आप इमेजिन करो कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो हुआ वही पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के साथ भी हुआ है, जहां पर भी विभाजन हुआ है। ओके, तो इससे ह्यूमन एस्पेक्ट तो निकल करके आता है सफरिंग का, जो उन लोगों ने यहां पर झेला। हवर ईच न्यूली एंगेज्ड बॉर्डरलैंड, जो भी नए बॉर्डरलैंड यहाँ पर बने, यानी कि विभाजन यहाँ पर हुआ, उनका अपना स्पेशल करेक्टर भी था, उनके साथ अपनी कल्चरल लीजेंसी भी थी। इंडिया पाकिस्तान का किसी और वजह से हुआ, इसराइल पैलेस्तीन का किसी और वजह से हुआ, ठीक है, स्पेशल करेक्टर यहाँ पर उभर करके आया। और ये जो स्पेशल करेक्टर था, इन्हीं को ही अलग अलग तरीके के पार्टीशन पर, जो आपका बेसिकली लिटरेचर था उसके द्वारा यहाँ पर दिखाया गया। इसमें जो वीकर सेक्शन थे उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉलिटी ने कब्जा कर लिया, मतलब लाइक ब्रिटिशर्स आए या फिर और जो साम्राज्य यहाँ पर उभर के आए, जो कि बड़ा स्टेट को बेसिकली कंट्रोल करते थे, उन्होंने वीकर जो सेक्शन थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे वीकर सेक्शन के बीच में नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहाँ पर बढ़ी। ओके, ये सब चीज़ें कॉमन है, ये सब चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर चलेंगी। तो पार्टीशन लिटरेचर जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और पार्टीशन लिटरेचर को अगर समझना है तो उसको हेट्रोजीनियस आइडेंटिटी से हमें यहाँ पर देखना होगा। हेट्रोजीनियस आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नज़रिए से देखो, पूरी दुनिया में जहाँ पार्टीशन हुए उन सभी के नज़रिए से हमें पार्टीशन लिटरेचर को देखना होगा। और इसका ये भी मतलब है कि सिर्फ हम एक कम्युनिटी के जरिए इसको नहीं देख सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर कम्युनिटी पर पड़ा है, चाहे वो बांग्लादेश की कम्युनिटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, उर्दू शायर हो या फिर बांग्लादेशी शायर हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी पर इसका असर यहाँ पर पड़ा है। तो उनकी नज़र से सभी को देखना पड़ेगा। तो पोस्ट कॉलोनियल टाइमलाइन में जो पार्टीशन लिटरेचर था वो आपका स्टेट के बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ स्टेट में जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके बारे में भी डिटेल में वर्णन यहाँ पर करता है। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी।
जो पार्टीशन का प्रीमाइस था वो बेसिकली पार्टीशन लिटरेचर जो यहाँ पर शुरू हुआ इज डेवलप्ड एज अ लिटरेली जेनरे एंड एक्सेप्टेड इन 1970s में जो है वो इसको ऑफिशियली यहाँ पर जो है वो लागू करना शुरू किया गया। उससे पहले कई सारे बैन वगैरह यहाँ पर लगते रहते थे और राष्ट्र स्थिति का आगमन हुआ, औपनिवेशिक उद्यमों का जो अंत है उसके साथ ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। जैसे आप देखोगे कि इसराइल पैलेस्तीन का डिवाइड हुआ तो पैलेस्तीन के राइटर हैं जिनका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, घासन कानाफानी। ओके, तो ये हैं, इन्होंने लिखा मैन इन द सन नाम की बुक। और ये जो बुक है वो इंडिया कहाँ से आ रहा है अभी, इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो बॉर्डर लैंड यहाँ पर बने उसके बारे में बताता है। ऐसे नीचे बहुत सारे पार्टीशन यहाँ पर दिए गए, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझो कि इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उसके ऊपर सलमान रुश्दी वेरी फेमस राइटर, ओके, इन्होंने मिडनाइट चाइल्ड लिखी, बहुत सारे प्राइज यहाँ पर मिले इनको। ओके, तो ये कुछ फेमस चीज़ें होती है, लाइक आपको ये याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है आपको, चाहे आयरलैंड के पार्टीशन की याद रखो मत रखो, लेकिन ये आपको याद रखनी है कि सलमान रुश्दी की जो मिडनाइट चाइल्ड है वेरी फेमस, आपको पता भी होगी, पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में इस तरीके का जो लिटरेचर है कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये निकल करके आया। उसके बाद आप ये सब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई लेकिन आपको याद नहीं रहेंगी, आप अपने मन के लिए तो इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिली। इसके अलावा अगर हम देखें आगे तो यूगोस्लाविया के कुछ राइटर्स, उनका कुछ नोबेल, ओके, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा गीतांजलि श्री का जो हिंदी नोबेल था जिसका नाम था रेत समाधि को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में मिला है। इंग्लिश टाइटल इसका है टॉम्ब ऑफ द सैंड। ओके, और इन्होंने जो है वो ये साफ साफ बताया कि कैसे जो नेशन स्टेट की ट्रेजेट्री है वो ओवर द टाइम उभर करके यहाँ पर आई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पार्टीशन लिटरेचर के डोमेन को बढ़ता हुआ दिखाती हैं, ये बताती हैं कि कैसे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आए और कैसे जो कल्चरल चेंजेस हैं वो कंट्री के अंदर में आए। ये सब चीज़ें हमें इसको पढ़ करके यहाँ पर पता लगती हैं। इंडिया की बात करें खासकर तो इंडिया जो है वो 3 बार विभाजित राष्ट्र यहाँ पर कहा जाता है और 3 बार विभाजित होने से 3 अलग अलग देशों का गठन हुआ। 1905 में, 1947 में और 1971 में 3 दफ़े 3 अलग अलग देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जैसे यहाँ पर उभर करके आए और ये दिखाता है कि कैसे नेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर बनने शुरू हुए। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द बंगाल प्रोविंस और द पंजाब प्रोविंस, ये जो है वो तीनों जो है डीकोलोनाइजेशन हुए इनका यहाँ पर। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इस तरीके की तीनों तरीके की प्रगति इस जटिल प्रक्रिया के साथ। ये भी देखा गया कि साथ में अगर आप देखें तो भाषा जो है वो एक बेसिकली ऐतिहासिक वास्तविकताओं को एकीकृत या विघटित करने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर उभर के आईं। अलग अलग तरीके के लिटरेचर यहाँ पर लिखे गए, आप देख सकते हो उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, सिंधी है, ये सब लैंग्वेज ड्राइवन आइडेंटिटीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि उर्दू शायर्स जो हैं वो जब लिटरेचर लिख रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ किस तरीके का बिहेव जो है वो यहाँ पर किया गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही हैं, आपको इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान में रखना है। पार्टीशन यहाँ पर हुआ, इंडिया के कुछ राइटर्स उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी, पता चला बहुत सारे लोगों की डेथ यहाँ पर। हाउवर स्कॉलर्स हैव क्लेम्ड डेट मच मोर देन दिस, यानी कि 2 लाख से लेकर के जो 2 मिलियन के बीच की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर मरे होंगे। बहुत सारी जो वुमेन हैं उनका रेप भी किया गया होगा, साथ में मिसिंग भी यहाँ पर जो है वो पर्सन्स बढ़ गए। तो ये सी चीज़ें निकल करके आती हैं और ये सब हमें पता चलता है धीरे धीरे पार्टीशन लिटरेचर के जरिए। और पार्टीशन लिटरेचर के जरिए अगर हम बात करें तो 14.5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो इंडिया पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन के कारण डिस्प्लेस भी यहाँ पर हो गए, जबकि अगर हम बात करें तो 3.5 मिलियन जो हैं वो मिसिंग भी यहाँ पर हो गए। माइग्रेशन कंटिन्यू रहा, अगर आप देखें तो स्वतंत्रता के लगभग 30 साल बाद भी पार्टीशन जो है वो कंटिन्यू रहा लगभग 1971 तक, और आज भी जो है माइग्रेशन कंटिन्यू ही है, मानो या मत मानो। ओके, तो ये जो है वो कंटिन्यू है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो, एनवायरमेंटल माइग्रेशन हो, या फिर किसी और कंडीशन से यहाँ पर हो, लाइक नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन ले सकते हो ना, तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे और भी चीज़ें दी गई हैं 1971 से पहले की, लाइक 1946 में 2 बड़े केस हुए थे, लाइक आपका था एक ग्रेट कलकत्ता किलिंग थी और एक थी आपकी नाव खाली रायट्स, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम रायट्स थे। ओके, हिंदू मुस्लिम रायट्स थे और बेसिक अगर हम बात करें तो ये सब वेस्ट बंगाल के एरिया के आसपास यहाँ पर हुए 1946 के अंदर। ये सब रायट के साथ साथ अमृतसर टू लाहौर उधर भी सब इधर यही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि इससे जो है वो
पार्टीशन का जो अनवांटेड पहलू था वो यहाँ पर उभर करके आया, जो चीज़ें हम नहीं चाहते थे वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें उभर के आई, अवांछित स्थितियाँ उनका निर्माण यहाँ पर हो रहा था। इतिहास की प्रमुख आवाज़ों का जिक्र करते हुए मुशीरुल हसन उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि स्वतंत्रता और विभाजन के ऐतिहासिक वृत्तांतों से अधिक विस्थापन के व्यक्तिगत इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा और वास्तव में लोकतांत्रिक देश के जो महान आदर्श हैं उनके साथ विश्वासघात को दर्शाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी अनवांटेड चीज़ें, ये किस चीज़ को दिखाती हैं कि हम जो चाह रहे थे उससे कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर हुई। तो ये लिखा हुआ, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ याद करने की चीज़ होगी बता दी गई है, ओके, तो उसको यहाँ पर आप देखोगे। तो कई सारे जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में लिखे गए, और बहुत सारी पोएट्रीज, ड्रामास आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कम मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे, राइटर्स आए हिंदी के, उर्दू के, लाइक आप देखो द वेरी फेमस सादत हसन मंटो, नाम याद रखना है, ओके, नाम याद रखना है, इनके ऊपर मंटो मूवी भी बनी है। प्रोबेबली ये जो है वो फाइनेस्ट राइटर थे जिन्होंने इंडियन पार्टीशन के बारे में लिखा, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना है, इंडियन पार्टीशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा, और पार्टीशन में जो वायलेंस यहाँ पर हुआ स्पेशली उसको टारगेट किया, जो अनवांटेड पार्ट्स थे उनको टारगेट किया। ये बहुत ही अच्छा पहलू है कि जो पार्टीशन के अनवांटेड पहलू थे उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पॉइंट्स हमें निकाल करके इस मैगजीन को खत्म करना है, बाकी चीज़ें तो स्पेक्ट्रम को पढ़ लो, सफिशियंट है, ओके। तो ये जो पार्टीशन के अनवांटेड पहलू थे इनके ऊपर किसी ने लिखा है तो वो हैं आपके सादत हसन मंटो, और इन्होंने जो ट्रॉमा लोगों ने झेला पर्सनल लाइफ के ऊपर, ह्यूमन इंस्टिंक्ट की जो बेसिकली धज्जा यहाँ पर उन्हें आपको मिलेगा पार्टीशन इवेंट में, उनके बारे में लिखा है। इन्होंने लिखी हैं स्टोरीज़ कुछ अजीब ही तरीके की आपको मिल जाएगा, लाइक ठंडा गोश्त नाम की इनकी वेरी फेमस बुक, ओके, बहुत ही फेमस बुक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम याद रखना है आपको। और इसके अलावा इन्होंने लिखी है टोबा टेक सिंह, उसके अलावा खोल दो लिखी है, उसके अलावा इन्होंने लिखी है डॉग ऑफ टिटवाल, ओके, ये सब जो बुक्स हैं ये यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जस्ट पहली बुक याद रख लो, सफिशियंट है, ओके। तो इसमें जो है वो पार्टीशन का जो ट्रोमा था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, बाकी और भी हैं, लाइक फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, उन्होंने भी जो पोइट्री है, नज़में हैं, वो यहाँ पर लिखी हैं कि कितना उथल पुथल का समय यहाँ पर चल रहा था। बहुत सारे हिंदी उर्दू के शायर यहाँ पर उभर के आए जिन्होंने इनके बारे में लिखा कि किस तरीके से पार्टीशन ने चीज़ों को यहाँ पर आपका बेसिकली ट्रॉमा जो है वो यहाँ पर झेलने के लिए मिला। लाइक इन्होंने इन सब पढ़ने नहीं है, ये इन सब के अंदर इन्होंने किस बात को बताया, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, वायलेंस, रेप के केसेस, एबडक्शन ऑफ वुमेन, या फिर और जो रेफ्यूजी के केसेस निकल के आए, या अननोन डेस्टिनी के केसेस आए, उन सब के बारे में जो है वो यहाँ पर लिखा। के एस दुग्गल साहब ने बंद दरवाज़ा नाम की किताब यहाँ पर लिखी, बंद दरवाज़ा नाम की किताब यहाँ पर लिखी, और इस तरीके से उन्होंने एक आधा बंद दरवाज़ा नामक शीर्षक से भी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो है वो चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से जो अत्याचार हुए या दुख हुए उनके बारे में, या दर्दनाक अनुभव जो भी थे उससे किस तरीके से जनता प्रभावित हुई उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर जो है वो बताया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और मैंने ये इस आर्टिकल के बारे में बताया आपको कि किस तरीके का दुख और ये सब तकलीफ़ें जो हैं वो झेली गई उसके बारे में चीज़ों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही अब हिंदी है और उर्दू है, ऐसे गुजरात के भी कुछ राइटर्स लाइक कृष्णा शोपतिया, उन्होंने लिखा है एक गुजरात हियर एक गुजरात दियर, और इन्होंने जो है वो बेसिकली इनके बंटवारे के टाइम, जब बंटवारा हो रहा था, तो जो आपकी कृष्णा शोपती हैं उनके बचपन के दोस्त की हत्या कर दी गई थी, तो उसकी जो कहानी है कि कैसे ये जो विभाजन हुआ उसमें कितने दर्दनाक आयाम निकल करके आए उनके बारे में इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर बताया गया, ये गुजराती नॉवल है। इसी तरीके से आपको मिलेगा कि बंगाली राइटर्स भी जो हैं वो उभर के आए, और बंगाली राइटर्स के अंदर में आप देखोगे कि तीन तरीके के बंदोपाध्याय, तारा शंकर बंदोपाध्याय थे, माणिक बंदोपाध्याय थे, और विभूति भूषण बंदोपाध्याय यहाँ पर थे। तो इन्होंने जो है वो बंगाली राइटर्स थे, इन्होंने भी ये इन बातों को यहाँ पर निकाल करके लाए, इन्होंने उस विभाजन के माहौल को मानवीय अस्तित्व जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की। ओके, आप देखो कि मेघे ढाका तारा ये पुस्तक लिखी गई, ऐसे ही आपकी और भी पुस्तकें मिल जाएंगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पे फोकस करना ज़रूरी है। ओके, ये सब बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सब बंगाली राइटर्स की जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं वो सब जो हैं वो यहाँ पर लिखी गई, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, इसको पढ़ना नहीं है, इग्नोर करना है। ओके, बहुत सारे क्रॉनिकल्स, कलेक्शंस और इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंडिया का पार्टीशन, उसकी हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली 1950s के बाद यहाँ पर हुई, क्योंकि इतिहास लेखन तो तभी होगा जब वो चीज़ घटित होगी, तो आपका पार्टीशन हुआ उसके बाद ये इतिहास लेखन जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ।
पहले 5 दशकों में यह उच्च राजनीति को समर्पित था और धीरे धीरे हमने जो है वो नारीवादी रोशनी, उत्तरजीवी के आख्यान, जाति के दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों को भी जो है वो अपने पार्टीशन लिटरेचर या कहो इतिहास लेखन के अंदर डालना शुरू यहाँ पर किया। बी आर अम्बेडकर की बुक आई थी जिसका नाम था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे ही आप देखोगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बुक आई थी अवेक हिंदुस्तान। ये सब बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़े लीडर्स की बुक हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद भी रखनी है। ओके, तो ऐसे ही मिलेगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना। अवेक हिंदुस्तान नाम की बुक हो गई। ऐसे ही लेरी कोलिंस और डोमिनिक लैपेरिए की फ्रीडम एट मिडनाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही आपको मिलेगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने जो अकाल्पनिक आख्यान, तर्क वितर्क, ये सब चीज़ें इन्होंने इसके अंदर में डाली। हिरणमय बंदोपाध्याय बांग्लादेश के फेमस राइटर थे, उन्होंने उद्वस्तु नाम से जो है वो आप देखोगे कि बुक यहाँ पर लिखी। और उद्वस्तु के लिए बेसिकली उन्होंने जो सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य किए विभाजन और उसके बाद, उनके वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं कि ऐसी चीज़ें। ऐसे ही आपके प्रफुल्ल चक्रवर्ती यहाँ पर मिल जाएंगे, उन्होंने मार्जिनल मैन नाम की बुक यहाँ पर लिखी है। ओके, और इन्होंने जो रेफ्यूजी थे उनकी कंडीशंस के बारे में यहाँ पर बताया। ऐसे ही बहुत सारे और बायोग्राफिकल अकाउंट यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक अमार देखा रजनीतिर, और काफ़ी बड़ी लाइन है। ओके, कभी कभी प्रोनंसिएशन भी गलत हो जाती है, वैसे प्रोनंसिएशन भी लिखी हुई है, लाइक अमार देखा रजनीतर पंचस बचोर। ओके, आपको याद नहीं रहने वाली, मुझे पता है। ओके, इसीलिए जस्ट पढ़ लो, ठीक है, और इनका काफ़ी योगदान है, इतना समझ लो, याद मत रखने की कोशिश करना वरना हालत बेकार हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल करके आएंगी। 50 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, ए न्यू वेव ऑफ स्टडिंग पार्टीशन विद न्यू पर्सपेक्टिव। तो पार्टीशन के अंदर नया पर्सपेक्टिव जो है वो उसको यहाँ पर लाया गया। जैसे कुछ नारीवादी विद्वान उभर करके आए, नारीवादी विद्वानों में आप देखेंगे कि उर्वशी बुटालिया नाम से आई, इन्होंने बुक लिखी द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही रितु मेनन और कमला भसीन हैं जिन्होंने बॉर्डर एंड बाउंड्रीज के नाम से किताब लिखी। ऐसे ही जशोधरा बागची हैं, उन्होंने भी यहाँ पर किताब लिखी। बीना दास हैं, मिरर ऑफ वायलेंस, इन्होंने यहाँ पर किताब लिखी। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें उभर के आईं और ये सब कंटिन्यू रहा। ओके, और 7 दशक हो गए उसके बाद भी जो हिस्ट्री है उसको एक नया पहलू यहाँ पर दिया गया। जो पीढ़ियाँ हाशिए पर रह गई थी, जिनका जिक्र जो है वो इतिहास के अंदर नहीं था, वो यहाँ पर उभर करके आए। जैसे जया चटर्जी हैं, उन्होंने बंगाल डिवाइड नाम की किताब लिखी। आशा आयशा जलाल हैं, उन्होंने भी द सोल स्पोक्समैन नाम की किताब लिखी। वजीरा फैजाला याकूबी जमींदार की किताब है द लॉन्ग पार्टीशन। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पर इनको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ज़रूरी है वो बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए आपको ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके के काफ़ी सारी कलेक्शंस शॉर्ट स्टोरी के, पोएट्री के, अलग अलग भाषाओं में उभर करके आए और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको मिलेगा कि और भी हैं, लाइक ये हैं यहाँ पर सब बुक्स वगैरह। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी बंगाल के बारे में पूरा अलग से आर्टिकल दिया गया है, उसको भी थोड़ा तेज़ी से निपटाएंगे और ये चीज़ें थोड़ी सी इतनी ही यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर बनती है। ओके, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ये सब लिटरेचर लिखे गए, पाकिस्तान में काफ़ी फेमस लिटरेचर्स यहाँ पर जो हैं वो लिखे गए हैं उर्दू में। ओके, और जानने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही हम इतने सारे लिटरेचर्स जो हैं वो पहले ही पढ़ेंगे। इसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में उपसंहार भी यहाँ पर लिखे गए, जिनको इपिलोग कहते हैं। ओके, और पिछले कुछ दशकों में जो विभाजन साहित्य है उसने दुनिया भर में पाठकों और विद्वानों का अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है। 3 बार विभाजित हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे मैंने बताया, तो इसका अपना साहित्य ग्रंथों का विशाल संग्रह उभर करके आता है। तो विभाजन साहित्य के क्षेत्र में उर्दू और हिंदी के जो लेखन हैं उनकी तो भूमिका यहाँ पर है ही है। ये मैं ये पैसेज यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, उर्दू और हिंदी के जो लेखक हैं उनका तो जिक्र है ही, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा कि जो बेसिकली ये आप देखो तो काफ़ी कठिन भाषा में लिखे गए, इनको दुनिया को समझाने के लिए उनकी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना यहाँ पर ज़रूरी था। उन लेखकों की थोड़ी सी कमी जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर थी, जिसकी वजह से ये पूरे विश्व में, देश में यहाँ पर नहीं फैल पाए। ओके, तो लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप है या इसके पड़ोसी देश हैं, उन्होंने तो इन चीज़ों को लगातार झेला है, खुद भी झेला है। ओके, तो ये जो है वो आपको चीज़ें निकल कर जाएंगी, इतना सफिशियंट है। इसको पढ़ने के बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगले आर्टिकल को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिखा हुआ क्या है। अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको बताता है लिटरेचर डिफाइंग द राज।
तो स्पेशल आर्टिकल है, फिर वही इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ तो निकलेगा, देख लेते हैं। तो ऐसा ये था बेसिकली, प्रतिबंधित लिटरेचर यहाँ पर निकल करके आया, और प्रतिबंधित लिटरेचर के अंदर ये ऐसा लिटरेचर था जिससे ब्रिटिश राज पूरी तरीके से डरता था, और इसको बंद करना उन्होंने ज़्यादा सही समझा। इसको विरोध साहित्य कहते हैं, रेजिस्टेंस लिटरेचर। ओके, तो अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल के बाद प्रिंटिंग प्रेस जो है, न्यूज़पेपर है, उसका बेसिकली उद्भव यहाँ पर शुरू हुआ, और वीकली न्यूज़पेपर जो पहला यहाँ पर आया वो था आपका हिकी का बंगाल गजट, और इसके जो एडिटेटर थे वो थे आपके जेम्स अगस्तस, ओके, अगस्तस हिकी, उन्होंने ये शुरू किया था 29 जनवरी 1780 को, इसको यहाँ पर शुरू किया गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल पर यहाँ पर कब्जा कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उभर करके आए 1773 में, और आते ही उन्होंने जो बंगाल गजट था उसको यहाँ पर बंद कर दिया। 2 साल चला, उसके बाद इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। बहुत सारे लॉज लाए गए कंपनी ने लाए कि भाई ये जो राइटिंग्स हो रही हैं इनको बंद करना चाहिए। लॉर्ड वेलेसली यहाँ पर आया जो कि गवर्नर जनरल था, उसने फर्स्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 रेगुलेशन 3 1818 उसके अंदर में आपका जो लाला लाजपत राय थे उनको मांडले जेल भेजा गया था बर्मा के अंदर, और ऐसे ही और बहुत सारे जो ऑप्रेसिव लॉज थे वो यहाँ पर लाए गए, जैसे लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट है, प्रेस एक्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ एक्ट है, लाइसेंसिंग एक्ट है, ये सब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डर के मारे यहाँ पर लाए थे कि इन सब से हम जो है वो प्रेस पर थोड़ा सा काबू यहाँ पर करेंगे। लेकिन आसानी से काबू हो जाता तो बात कुछ और ही नहीं थी। ओके, तो काबू करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बंद लिटरेचर थे, इनको बंद करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ गई। जैसे एग्जांपल दिया गया है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक अखबार था, और उर्दू का अखबार था जिसका नाम था पयाम ए आज़ादी, और ये अखबार जो है, पयाम ए आज़ादी का मतलब होता है फ्रीडम के मैसेज, और ये लिखा जाता था बाई मिर्ज़ा बेदर वक्त के द्वारा, बेदार वक्त हैं बेसिकली, और इन्हें जो है वो सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। सार्वजनिक रूप से फांसी देने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि ऐसा मत करना वरना आपके साथ भी ये होगा, तो बेसिकली ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। जब 1858 हुआ उसके बाद में जो देशद्रोह अधिनियम के अंदर आपके देखेंगे कि 124A यहाँ पर लागू किया गया, दैट इज़ कॉल्ड शेडिशन लॉज, जो कि आजकल भी कंट्रोवर्सी के अंदर यहाँ पर है, वो यहाँ पर लाया गया। उससे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सप्रेस किया गया, बाल गंगाधर तिलक थे उनको 6 साल की जेल दे दी क्योंकि वो केसरी जो है वो यहाँ पर आपका पब्लिश कर रहे थे। ओके, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि उसके बाद 1898 के अंदर जो आपका सेडिशन लॉ थे उसका स्कोप यहाँ पर वाइड कर दिया, और इसके अंदर जो डिसअफेक्शन के मामले थे उनको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए, लाइक 153A जोड़ दिया गया। इसके तहत अगर हम देखें तो विभिन्न वर्गों के बीच दुर्भाव फैलाने की धारा जो है वो भी यहाँ पर लागू होती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि बाद में 295A जो है वो भी इसके अंदर जोड़ा गया, और ब्रिटिश शासकों ने ये सभी कानून इसलिए बनाए थे कि स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ये लागू किया जा सके। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो कानून यहाँ पर चल रहे थे, पाकिस्तान उस टाइम बना नहीं था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो कानून है वो उस हिसाब से यहाँ पर चलाए जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेगी कि ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे थे, और इस तरीके से आप देखोगे कि ये सब एक्ट जो है वो यहाँ पर निकल करके आए। धीरे धीरे इन एक्ट्स की अगर हम बात करें तो 1898 के अंदर सरकार की गोपनीयता कानून यहाँ पर लाया गया जिसको कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ओके, ये आज भी लागू है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, इंडियन कस्टम्स एक्ट आया, और इसके अंदर बुक्स एंड जो पब्लिकेशंस थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फाइनली इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का जो ये एक्ट है यहाँ पर ये बेसिकली आया, और ये मास्टर एक्ट था जिसे टाइम टू टाइम लगातार यहाँ पर अमेंड किया जा रहा था। राज्य थे, केंद्र सरकारें थीं, उन सभी पर अलग अलग तरीके के बुक्स और पुस्तक, बेसिकली पुस्तक या प्रकाशन जो चलाए जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए, और जो प्रकाशक थे उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। ये सब स्पेक्ट्रम में एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें, मतलब प्रेस का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में पूरा आर्टिकल है उसके अंदर, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। भारी जुर्माने लगाए गए। जर्नल एंड बैरियर का अगर हम जिक्र करें तो 1974 में उसने अपना शोध कार्य किया था जिसका नाम था बैंड कंट्रोवर्शियल लिटरेचर। ठीक है, तो उन्होंने इस पूरी बुक को यहाँ पर लिखा, बेसिकली उन्होंने रिसर्च पेपर यहाँ पर पब्लिश किया, और इन्होंने उनके सभी पब्लिकेशन के बारे में बताया जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर बंद कर दिए गए। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और इसके अंदर बेसिकली 1907 से 1947 के बीच के जितने भी प्रतिबंधित प्रकाशित पत्र थे उन सभी के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो गुरुदेव सिंह सिंधु हैं उन्होंने भी रिसर्च यहाँ पर की, उनके ऊपर जो बैंड लिटरेचर थे उनके बारे में बताया गया बेसिकली। ओके,
तो गुरुदेव सिंह सिद्धू ने भगत सिंह के बारे में अपने शोध यहाँ पर किए कि कैसे उनके जो साहित्य थे उनको प्रतिबंध यहाँ पर कर दिया गया। बहुत सारे भारतीय भाषाओं के अन्य विद्वान जो थे उन्होंने भी शोध कार्य यहाँ पर किए हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अब ये जो गुरुदेव सिंह जी हैं इन्होंने भारतीय भाषाओं के ऐसे 66 प्रकाशन और 3 अंग्रेजी प्रकाशनों की सूची तैयार की है जिन पर नई दिल्ली ने भगत सिंह यानी कि भारतीय राष्ट्रीय लेखा अभिकार और लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी ने प्रतिबंध भी लगाए थे। तो ऐसे 66 जो बेसिकली आप देखोगे कि पब्लिकेशन यहाँ पर उभर करके आए जिनको बैन यहाँ पर किया गया और उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इसको यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो है वो किस तरीके से बैन किए जाते थे ताकि ये पूरे इंडिया में ना फैलें और लोगों के मन में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर ना आए। ऐसे ही अगर आप देखो नीचे तो जर्नल बैरियर यहाँ पर आए और जर्नल बैरियर की अगर हम बात करें तो जर्नल बैरियर के अनुसार नई दिल्ली के राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय लेखा अभिकार जिसको NAI कहते हैं उसमें अंग्रेजी सहित 9 भारतीय भाषाओं के लगभग 1200 से लेकर के 1500 के करीब लिटरेचर जो है उनको बैन किया गया था ओवरऑल। तो जस्ट ये आइडिया आपको दिमाग में रखना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर किया गया। कई कई की तो दो दो प्रतियाँ भी जब स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर लागू करी तो उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। दिल्ली ने भी लंदन ने भी कई सारे प्रतिबंधित प्रकाशन उनकी कई कई प्रतियाँ जो हैं उनको रखते थे ताकि वो फैले ना। ओके तो ये चीज़ें यहाँ पर उभर के आई। स्वयं NIA ने चुने हुए कुछ प्रतिबंधित साहित्यों के कई संस्करण प्रकाशित किए हैं। विभिन्न भाषाओं ने इन प्रतिबंधित प्रकाशनों के जो शीर्षक हैं उनके देखने से ही पता लग जाता है कि उसमें मुख्य शब्द आप देखोगे तो जो जो बेसिकली बैंड लिटरेचर थे उनके अंदर कुछ इस तरीके के शब्द आते थे लाइक गांधी लाइक भगत सिंह आज़ादी इनकलाब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। जहां ऐसे शब्द आए तुरंत लिटरेचर को बैन कर दिया जाता था और ये लिटरेचर को बैन करके जो है फिर उसकी कॉपी रख दी जाती थी और उसको जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था जो कि एक्ट के द्वारा यहाँ पर लागू यहाँ पर होता था। ओके तो ये जो रिकॉर्ड थे इनके कुछ स्रोत आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं लाहौर के अंदर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी काफ़ी सारे इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। अब बेसिकली बैंड लिटरेचर हैं ये सब। ओके जिनमें भगत सिंह है फांसी देश वतन इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। कनाडा और कुछ बेसिकली न्यूयॉर्क की जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर में भी इस बारे में जो जिक्र है वो यहाँ पर किया गया है। आउट ऑफ दीज बैंड लिटरेचर द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वो योजना पब्लिकेशन यहाँ पर प्रकाशित करती है उसने भी जो है वो 1987 में पब्लिश की थी पोएट्री। तो इस योजना मैगजीन ने भी अलग से जो है वो बेसिकली एक मैगजीन यहाँ पर बुक यहाँ पर प्रकाशित की जिसमें पोएट्री सारी कंपाइल की गई। वो 2021 में ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फ्रीडम ये दो पब्लिकेशन जो है वो योजना की सहायता से रिप्रिंट किए गए उनको रिवाइज किया गया। और वन ऑफ दीज पब्लिकेशन जिसका टाइटल था आज़ादी की लड़ाई के ये जो वर्ड है इसको मैं अभी करता हूँ पूरा। ओके तो आज़ादी की लड़ाई के जब्तशुदा तराने ओके ये उर्दू का वर्ड है ओके मुझसे नहीं आती बिल्कुल भी। ओके तो ये इसलिए थोड़ा सा ये है तो ये बेसिकली इस टाइटल से यहाँ पर रिलीज़ किया गया। और दूसरा यहाँ पर जो बेसिकली टाइटल था वो था आपका जब्तशुदा गीत आज़ादी और एकता के तराने। ये दो पब्लिकेशन में योजना ने जो है वो ये इसको प्रकाशित किया पत्रिका के अंदर नहीं अलग से बुक भी प्रकाशित करती है पब्लिक डिवीज़न ओके उसके अंदर में यहाँ पर आया। तो ये जो हैं वो इस तरीके से प्रकाशित किए गए और इसके अंदर जितने भी बैंड सॉन्ग हैं जो कि प्रतिबंधित गीत यहाँ पर थे उनका जिक्र यहाँ पर किया गया जिनको प्रतिबंध किया गया था। इसका संपादन बेसिकली अगर आप देखो तो योजना में 1987 से होना शुरू हुआ क्योंकि ये सब इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम यहाँ पर लगता है तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। इसमें हमने कई तरीके के गीत लिए हैं लाइक आप देखोगे कि हिंदी की 264 पोएम्स हैं उर्दू की 58 पोएम्स हैं और ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी वर्ड है यहाँ पर जब्तशुदा ओके इसका मतलब होता है प्रतिबंधित। ओके तो प्रतिबंधित इसको हिंदी में कहते हैं बैंड इंग्लिश में इसको बैंड कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे कि इस तरीके की चीज़ें निकल के आई। बहुत सारे देवनागरी लिपि में थे ओके बहुत सारी कविताएं यहाँ पर थी और बहुत सारे कवियों का जिक्र इसके अंदर किया गया है। इस संग्रह में आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मिल जाएगा इकबाल के बारे में मिल जाएगा ओके लाइक आपको मिलेंगे मखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में मिल जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने काफ़ी बेसिकली वीर रस की कविताएं यहाँ पर लिखी उनके बारे में मिल जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल ने उनके बारे में मिल जाएगा। तो स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उस पर ये सब यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किए गए ये सब चीज़ें और ये थोड़े से पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं।
इसके बाद अगर हम आगे बात चलें तो मोहम्मद इकबाल के बारे में आपने सुना होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुत ही बड़े उर्दू शायर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ओके। और इन्होंने जो है वो अगर हम बात करें तो मोहम्मद इकबाल जी की रचना है कालजई रचना, जिसका नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा, ये इस तरीके की जो कविता है इनको बैन कर दिया गया था, ओके, क्योंकि इससे लोगों के अंदर उत्साह उभर करके आ रहा था। ऐसे ही हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी आप देखोगे तो काफ़ी जोशीली कविताएं यहाँ पर लिखी हैं, लाइक झांसी की रानी नाम की फेमस कविता लिखी है, आज़ादी की देवी कहा है उनको, ओके। तो झांसी की रानी की वीरता यहाँ पर बताई गई कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो यहाँ पर वर्क किया और उसको यहाँ पर बेसिकली ख़त्म करने की कोशिश की, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, उनका बहुत शानदार तरीके से वर्णन यहाँ पर किया है कि कैसे 13 वर्ष की अवस्था में ही जो वीरांगना झांसी की रानी थी उन्होंने ब्रिटिश शासन को मौत के घाट उतार कर अपने प्राण जो है वो न्यौछावर यहाँ पर किए। ऐसे ही आपको मिल जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, यहाँ पर आप देखोगे तो ये रही, ओके, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, हमने ये पढ़ी है, ओके, जब हम 12th में थे तब पढ़ी थी हमने, पुष्प की अभिलाषा मिल जाएगी, यानी कि फूल की इच्छा नाम की लघु कविता है, इसमें स्वतंत्रता की उत्कट भावना यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है। तो फूल की इस इच्छा को अभिव्यक्त किया है कि वो देशभक्तों के ऊपर बेसिकली फूल बन के गिरे, ओके। तो इन्होंने जो है वो इसके लिए यहाँ पर बताया, ये फूल ये चाहता है कि उसकी राह में उसे फेंक दिया जाए देशभक्त की राह में, जिससे होकर देशभक्ति के दीवाने मातृभूमि के लिए बलिदान देने जाएं। तो जहाँ से आपके स्वतंत्र सेनानी जा रहे हैं अगर फूल वहाँ पड़ा है तो उसका जीवन साकार है, बेसिकली ये कविता ये बताने के लिए यहाँ पर है। द डिज़ायर ऑफ फ्लोवर के नाम से इन्होंने याद रखनी है ये कविता, ओके, ये कविता याद रखनी है, कुछ तो याद रखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सब छोड़ते हुए चलो। ऐसे ही आपको मिल जाएगी श्याम लाल गुप्त जी की सुप्रसिद्ध कविता है झंडे का गीत, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ओके, तो ये मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ऐसे ही और भी हैं लाइक राम प्रसाद विश्मिल ने असबाक उल्ला खान है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये सब उन्होंने यहाँ पर लिखा और बेसिकली ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रचयिता यहाँ पर उभर करके आए। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे बिस्मिल अजीमावादी, ओके, बिस्मिल अजीमावादी यहाँ पर मिल जाएंगे, अनदर पोएट यहाँ पर हैं, उन्होंने भी इस तरीके की बहुत सारी कविताएँ यहाँ पर लिखी हैं। इस गीत का मुख्य अगर हम बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में, तो ऐसी सब कविताएं जो हैं वो यहां पर निकल करके आई। इसके अलावा वतन हमारा रहे सलाम और आजाद, क्या हमारा क्या है, हमारा क्या है हम रहे या ना रहे, ओके, तो ये इस तरीके की जो लाइनें हैं ये लोगों में जोश और उत्साह यहां पर भर देती, जैसे लाइन लिखी हुई ना वतन हमारा रहे बेसिकली सलामत और आजाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें, ओके, तो ये पूरी लाइन यहाँ पर है, ये आपको दिखाती है कि किस तरीके की कविताएं जो हैं वो उस टाइम उभर करके यहाँ पर आती थी। ऐसे ही टैगोर साहब की पोयम है, ओके, टैगोर साहब की पोयम आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिसका नाम है भारत प्रशस्ति, उसमें भी काफ़ी सारी संग्रह मिल जाएंगे। ऐसे कवि ज्योति संगर जी ने 1930 में लिखा था भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आज़ाद होगा आता है वो ज़माना, ओके, तो इस नाम से ये मैंने पढ़ दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, याद रख सकते हो तो दो एक जो फेमस हस्ती हैं उनके बारे में यहाँ पर याद रखो, उनकी ये कविताएं यहाँ पर याद रखो। हिंदी के कवि थे चकोर की 1930 में बेसिकली कविता आई थी किसान, उन्होंने भारतीय किसानों की जो ब्रिटिश शासन के दौरान अवस्था थी उसके बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे जो पीजेंट यहाँ पर थे उनका ऑपरेशन ब्रिटिश राज के द्वारा यहाँ पर किया गया, ओके, तो ये जो हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर भी बहुत सारे जो लिटरेचर हैं वो यहाँ पर लिखे थे, लाइक प्यारा हिंदुस्तान हमारा नाम से कविता थी, हिंदू हो या मुस्लिम कह दो मुखाफिलों से हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है देखो, ओके, तो ये काफ़ी फेमस लाइन जो है वो यहाँ पर निकल के आई। इसमें ब्रिटिश शासकों को चेतावनी दी है कि चाहे कुछ भी कर लो हम भारतीय हैं, हम हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड नहीं होने के, ओके, तो ये भारतीय समर्थक जो ब्रिटिश कवि थे बेसिकली जिनका नाम था अर्नेस्ट जोन्स, उन्होंने भी 1858 के स्वतंत्रता संग्राम पर रिवोल्ट ऑफ हिंदुस्तान यानी भारत में विद्रोह के नाम से किताबें उन्होंने भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ओके, तो ये जो हैं वो भारत के समर्थक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट जोन्स, क्या नाम याद रखना, ओके, क्योंकि ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के सपोर्ट में नहीं थे लेकिन कुछ तो थे, उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा बहुत सारे और पोएट यहाँ पर आए, लाइक जानिसार अख्तर हैं, साहिर लुधियावनी हैं, हफीज़ जालंधरी हैं, हसरत मोहानी हैं, मखदूम मोइदून हैं, टीकाराम सुखन हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं,
अली सरदार जाफरी हैं, ब्रज नारायण चकबस्त हैं, स्वामी नारायण नंद हैं, पंडित मेलाराम बफा हैं। मुझे तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखने में मज़ा नहीं आएगा, मुझे पता है। तो इसको जो है वो इग्नोर करो, चलते रहो, बहुत सारे हैं, हम भुला नहीं सकते, लेकिन हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता संग्राम से जो बहुत सारी खबरें जुड़ी हुई हैं, 1857 की लड़ाई हुई, जलियांवाला बाग हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, काकोरी केस हुआ, इन सब के बारे में लिखा गया, उन सब को धीरे धीरे बेसिकली बैन भी किया गया, असेंबली में बम फेंकने से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन सब के बारे में जिक्र जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन उन सबको बैन कर दिया गया। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल करके आएंगी। तो अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिर बंगाली जो थिएटर है वो कैसे यहाँ पर शुरू हुआ, और उस पर बेसिकली जो कॉलोनियल बैन यहाँ पर लगाया गया वो किस तरीके से था। तो बेसिकली जो बंगाली थिएटर था ये इस तरीके का था कि ब्रिटिशर्स की जो डिप्रेसिव ओप्रेसिव पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट ये जो है वो यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि प्रोसेनियम थिएटर, ये बेसिकली एक तरीके की स्टेज फॉर्म है। ओके, अलग तरीके का स्टेज यहाँ पर बनाया जाता है और उसमें जो परफॉर्मेंस यहाँ पर किया जाता है, ये शुरू हुआ आपका टू कॉलोनियल मेट्रोपोलिस कोलकाता में और बॉम्बे में, ये चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन 1850 तक अगर हम बात करें तो बंगाली में जितने भी प्लेज यहाँ पर रिटेन हुए थे वो सब स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ लैविश प्राइवेट थिएटर्स ही मौजूद थे कलकत्ता के अंदर। ओके, तो अब आप देखो ये काफ़ी महंगे होते थे, तो लिमिटेड व्यूअर्स यहाँ पर आएंगे, लोगों तक ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाव नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी के लिए ही ये सब चीज़ें थी। 1960 के बाद से ये जो इलाइट कंट्रोल्ड थिएटर्स थे, इन्होंने आप देखोगे कि जो अलग अलग तरीके के सोशल थीम्स थी, लाइक विडो रीमैरिज थी, पॉलीगैमी थी, या फिर आपकी क्लास इनइक्वालिटी थी, रेशियल ऑपरेशन था, इन सब चीज़ों के ऊपर जो प्रहार है वो करना यहाँ पर शुरू किया। ओके, तो थिएटर जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर हो गए, लेकिन आप देखो कि इनकी रेस्ट्रिक्टिव नेचर थी, सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते थे जो कि अमीर थे, और लैविश प्राइवेट थिएटर्स ही यहाँ पर थे। तो इससे जो है वो आपका इमरजेंस हुआ पब्लिक थिएटर्स का, और पब्लिक थिएटर्स जब आने शुरू हुए तो जो कॉमन मैन है वो यहाँ पर एजुकेट हुआ, मिडिल क्लास यूथ जो है उसके अंदर में भी ये चीज़ें उभर करके आई, उनको भी एंटरटेनमेंट के लिए जो था वो तो मिला ही, साथ ही साथ जो उनके ओपिनियन थे उनको उठाने के लिए जो वॉइस चाहिए थी उसके लिए प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल हुआ। तो पब्लिक थिएटर है यहाँ पर, तो कोई भी जाकर के देख सकता है, तो वाइडर ऑडियंस आपको यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही साथ जो चीज़ें डिपेक्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर अब पहुँच पाएंगे। अब आप सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगी तो कॉलोनियल गवर्नमेंट तो खुश होगी नहीं, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई कि इन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है, थिएटर्स वगैरह को, और ऐसे सभी को बंद करेंगे जो कि समाज में डिसअफेक्शन फैला रहे हैं उनके नज़रिए से। ओके, ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट हैं, या परफॉर्मेंस के जरिए करप्ट और डिप्रेव करने की कोशिश की जा रही है, या पब्लिक को उकसाने की कोशिश की जा रही है, या ऑब्सीन जो है वो दिखाया जा रहा है उनकी नजर में। ओके, या मोरालिटी की कमी है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, ऐसे सभी को बंद करने की बात की गई। ओके, ऐसे ही सभी को बंद करने की बात की गई तो सबसे पहला नंबर आता है आपका ग्रेट नेशनल थिएटर का, जो कि बाबू भुवन मोहन नियोगी जी द्वारा शुरू किया गया था, और इन्हें जो है वो इन पैरामीटर्स को वायलेट करने के लिए ये इनका थिएटर जो है वो बंद यहाँ पर कर दिया गया। ओके, इसमें ही आपके आ जाएंगे गजानंद युवराज, उन्हें भी सेंसरशिप और अपना जो ये सब स्टॉप करना पड़ा। ओके, और इसी तरीके से आपको और मिल जाएंगे, लाइक आप देखोगे कि यहाँ पर सेंसरशिप बाज क्लैम्प्ड ऑन द प्ले, जिसका नाम था आपका सुरेंद्र बिनोदिनी, इन पर केस लगा कि आप बल्कर मटेरियल दिखा रहे हैं या फिर ऑब्सेनिटी है, तो उस चक्कर में इनका थिएटर यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज़ें निकल करके आनी शुरू हुई। इसके बाद आपका आया ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 का, और इसने जो है वो जितने भी ऐसे आपके पब्लिक थिएटर थे जो कि सबवर्सिव पॉलिटिकल मैसेजेस को यहाँ पर दिखाते थे उनसे उनको बेसिकली बार कर दिया गया यहाँ पर, और एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लागू किया गया। लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें पावर दी गई कि ऐसे सभी परफॉर्मेंस जो कि हमारे अगेंस्ट जाते हैं या फिर ऊपर जो दिए गए आपके बेसिकली आप कह सकते हो कि ये सब है लाइक ऑब्सीन मटेरियल वगैरह, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर बैन करने की बात की गई। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ पर आया, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद ये लॉ में बना, लॉ बनने के बाद जो सेम गवर्नमेंट थी बाय लॉर्ड लिटन, ओके, नवंबर 1877 तक ये एक्ट यहाँ पर लागू हुआ। दोनों जो एक्ट हैं बेसिकली स्टेज है और प्रेस है दोनों पर प्रतिबंधित यहाँ पर लगने शुरू हो गए। ओके, और बट अगर आप देखो कि जो प्रेस वाला एक्ट है ये तो रिमूव भी कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने हिस्ट्री की किताब में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है तो हम भी उसी नज़रिए से देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर उभर के आई, आपको जस्ट एक्ट वगैरह का थोड़ा सा नाम यहाँ पर पता होना चाहिए।
अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ड्रामेटिक पॉलिटिकल जब परफॉर्मेंस एक्ट यहाँ पर आया तो उसने चीज़ें बैन कर दी। बैन करने का मतलब यह है कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म अब नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविज्म उसका एंड यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बंगाली पब्लिक थिएटर जो है वो थोड़ा सा सुकुड़ करके यहाँ पर रह गए। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सामने आएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे और जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इसको उभारने की कोशिश की, जैसे कि इनका नाम दिया गया है लाइक गिरीश चंद्र घोष। तो इन्होंने जो है वो काफ़ी सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के काफ़ी सारे प्ले यहाँ पर बनाए, जैसे कि श्रीवस्ता चिंता नाम की ये इन्होंने यहाँ पर प्ले किया। ओके, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा जो घोष हैं उन्होंने चंदा नाम का एक और प्ले जो है उसको राइट भी किया, उसको डायरेक्ट भी किया। और इसमें जो है वो बेसिकली जो रेवोल्यूशन था उसकी थीम लेकर के इसको यहाँ पर बनाया गया। और इसमें जो है वो आप देखो इनके ऊपर सेंसरशिप लगाने की कोशिश की गई लेकिन ये एस्केप हो गए, ये बच गए। ओके, और इन्होंने कहा कि हम जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह रहे थे, हम तो अपने हिस्टोरिकल प्लेस दिखा रहे थे, इस तरीके से बच पाए। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं, आपको ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि और भी बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल कंसर्न्स जो हैं वो स्वदेशी मूवमेंट के बाद उभर करके आए, जिससे कि थिएटर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। थिएटर्स के जरिए नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की भावना जो है वो लोगों में उभारी गई, वर प्रोपोगेटेड इन द ग्रैब ऑफ दिस थीम्स। ओके, तो ये चीज़ें आई। इसी के अंदर आप देखोगे लाए अपरेश चंद्र मुखोपाध्याय। ओके, ये जो हैं इन्होंने बंगाली थिएटर को बेसिकली एक हिस्टोरिक एज देना शुरू किया। ओके, 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद से। ओके, ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जो लिटरेचर थे उनकी सबकी बेसिकली कह सकते हैं कि उनको थिएटर जो आर्ट है उसमें यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। गिरीश घोष जी का नाम सुना आपने ऊपर, उन्होंने सिराजुद्दौला नाम का बेसिकली प्ले यहाँ पर उसको किया। ओके, और उसको करने के बाद जो बंगाल की सिचुएशन थी कि कैसे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, बेटर ऑफ प्लासी, बेटर ऑफ बक्सर, सब चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट की गई। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखो, बाकी हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। मीर कासिम नाम का भी एक जो कह सकते हैं कि प्ले यहाँ पर किया गया, उसमें भी इन्हीं चीज़ों को डिपिक्ट किया गया। अपरेश चंद्र मुखोपाध्याय जी का नाम नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। सिराजुद्दौला नामक प्ले की सक्सेस यहाँ पर इन्होंने देखी, तो फेमस था ये बेसिकली, और इससे जो है वो आपका मिनर्वा थिएटर्स उभर करके आए और मिनर्वा थिएटर्स का फॉर्चून जो है वो खतरे में भी आ गया था। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और जस्ट नाम याद रखो, कोई ज़रूरत चीज़ें नहीं है। ओके, और इन सब चीज़ों के जरिए कुल मिलाकर के आपका जो सेंसलाइजेशन है ये सब यहाँ पर किया गया। नेशनलाइजेशन आप देख सकते हो कि नेशनलिज्म की भावना उसको प्रमोट यहाँ पर किया गया और इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे ही और प्ले लिखे गए, लाइक दुजेंद्र लाल रे जी द्वारा लिखा गया मिहार पठान नाम का जो एक पाटन नाम का बेसिकली एक प्ले था जिसका नाम था फॉल ऑफ मेवाड़। ओके, तो मेवाड़ किस तरीके से फॉल हुआ या उसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से राजपूत जो है सक्सेसफुल हुआ, इस चीज़ को डिपेक्ट करते हुए ये चीज़ निकाली गई। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा और भी कुछ प्ले यहाँ पर दिए गए लाइक मैंने हाईलाइट किया, इनके द्वारा लिखा गया था और इससे जो स्टार थिएटर्स हैं वो आपके यहाँ पर उभर करके आने शुरू हुए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर छत्रपति नाम का जो है वो प्ले यहाँ पर लिखा गया, उसके द्वारा जो है वो रोल बताया गया कि कैसे जो है आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चीज़ें यहाँ पर चली। तो इस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो उभारा गया, ऑडियंस को अट्रैक्ट किया गया और अट्रैक्ट करने के साथ साथ उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना इस तरीके से प्रभावित की गई। आप देख सकते हो कि बाजीराव नाम का जो प्ले है वो यहाँ पर ग्रेट नेशनल थिएटर के अंदर में शुरू किया गया। ओके, अमरेंद्र नाथ दत्त जी द्वारा, और ये चीज़ें यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट कर रही थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो माइथोलॉजिकल कंटेंट के साथ साथ हिस्टोरिकल कंटेंट प्लस जो ब्रिटिश ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, तीनों को मिला करके आपके अलग अलग तरीके का कंटेंट जो है बेसिकली कह सकते हो कि प्ले यहाँ पर तैयार किए जाते थे। ब्रिटिशर्स आते थे, कहते थे कि ये तो हमारे अगेंस्ट है, तो हम कहते थे नहीं, ये तो हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है या फिर माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट है। तो माइथोलॉजी के जरिए ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जाती थी। लाइक पुराण की बहुत सारी टेल्स हैं जिसमें जो दैत्य हैं उनकी तुलना ब्रिटिशर्स से यहाँ पर की गई थी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों को दिखा करके ये आपके सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट थे, ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनको दिखाने की कोशिश होती थी। ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आता था कि ये हमें डिपिक्ट कर रहे हैं, उनको लगता था कि ये हो रहा है आपका माइथोलॉजिकल बेसिस पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो ये चीज़ें जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कंस की जो तुलना है वो ब्रिटिश शासन से यहाँ पर की गई और बेसिकली कृष्णा जो लॉर्ड कृष्णा उनके बर्थ के बारे में बताया गया। ओके, तो आप देख सकते हो इन द प्ले कंस वाज द ऑपरेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दैत्य वगैरह थे उनकी तुलना ब्रिटिशर से की गई। वाइल वासुदेव जो हैं वो स्ट्रगलिंग मासेस थे, लाइक फार्मर्स हो सकते हैं, पीजेंट हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं, ओके, ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो उनके बारे में बताया गया। तो इस तरीके के प्ले डिपिक्ट यहाँ पर किए जाते थे।
इसके अलावा कई सारे और प्ले यहाँ पर हुए, जैसे सचिंद्रनाथ सेन जी द्वारा लिखा गया द सैफ्रॉन फ्लैग, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया। खैर हमें इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को छोड़ सकते हो। अगर लिखने के लिए आ गया कि थिएटर का क्या रोल है तो आप आराम से लिख पाओगे, बस दो एक नाम याद रखना, जैसे कि मैंने मिस्टर घोष का नाम ऊपर आपको बताया, तो एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम लिख दोगे तो नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे, आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हो, कुल मिलाकर कई सारे सोशियो पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं वो इन थिएटर्स के जरिए कवर किए जाते थे। और ये जो ट्राइंगल मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें उठा करके, कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें उठा करके ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसी है उनको डिज़ाइन किया था। डायरेक्ट ब्रिटिशर्स तो दिखा नहीं सकते थे क्योंकि एकदम से बैन हो जाता, इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ करके ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसी को मासेस तक पहुँचाने की कोशिश की गई। इतना याद रखोगे सफिशियंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है सिनेमा एज वैनगार्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में बेसिकली सिनेमा का रोल, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मैं इस ऊपर वाले जो पीले रंग के बॉक्स में पैसेज लिखा हुआ है इसको पढ़ता हूँ और फिर बीच में हम बहुत तेजी से निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांसेस बहुत ही लो हैं, 1% से भी कम। ओके, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आया 1876 में, जैसा कि ऊपर भी बताया गया, और इसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स इस बात को समझ गए कि सिनेमा में इतना ज़्यादा ताकत तो यहाँ पर है कि वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओके, तो इंडिया के अंदर फिर सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी यहाँ पर आया, ओके, 1918 में, और ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया और 1 अगस्त 1920 से इसको यहाँ पर लागू किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है वो 1909 का, उसके अंदर जो इंडियन वर्जन के ऑब्जेक्टिव थे, ओके, वाज नथिंग लेस देन द सेंसरिंग द कंटेंट। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर लागू किया गया था कि फिल्म को सेंसर यहाँ पर करेंगे और बेसिकली पब्लिक को जो है वो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लेकर के जाए, इस तरीके की जितनी भी फिल्में यहाँ पर हैं उन सभी पर सेंसरशिप लगाने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया। ओके, तो देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो फेमस लिटरेरी ट्रेडिशन थे, लाइक सचिदानंद चटर्जी का था या बंकिम चंद चटर्जी का था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके जो नॉवल्स थे उनको आपका सिनेमा में कन्वर्ट यहाँ पर किया गया, ताकि बेसिकली सिनेमा को देख करके आपका और नेशनलाइजेशन की भावना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सके। तो बंगालीज जो है वो आज भी फिल्म को बुक के नाम से कहते हैं, या बॉय भी कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये बुक को, नॉवल को ट्रांसलेट करके सिनेमेटिक बेसिकली फॉर्म में यहाँ पर बनाई जाती थी। ओके, तो आज भी होता है, बहुत फेमस नॉवल हो जिसको कोई मैन बुकर प्राइज़ मिला हो, इस टाइप के नॉवल जो होते हैं ना उन पर पिक्चर जब बनाई जाती है तो वो हिट जाती है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें पहले भी यहाँ पर चलती थी। अब इसके अंदर हम पढ़ने के हवाले हैं तो इसको देख लेते हैं बेसिकली, और ये सब मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट यहाँ पर लागू किया गया, स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो बंगाली थिएटर है उसके बारे में भी हमने जाना कि किस तरीके से चीज़ें बड़ी, थोड़ा जाना लेकिन जाना, ओके, सफिशियंट है इतना ही। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको इग्नोर मारो सब चीज़ों को, और इस आर्टिकल में बेसिकली आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की जरूरत थी, बट हाँ बहुत सारे आइडियाज़ थे, सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज़ यहाँ पर निकल कर के आएंगे, लाइक टैगोर की नॉवेल्स में हो सकते हैं, या फिर आपके ये सब मिल जाएंगे, जैसे चित्रांगदा है, राजा है, ये सब जो है इनके ऊपर आप देख सकते हो कि सिनेमा जो है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, जिसके जरिए मासेस तक इस चीज़ को यहाँ पर फैलाया गया। देखो बंगाल विभाजन हुआ तो उसके ऊपर पिक्चर बना दी, लोगों को बताया कि कैसे कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुए। अब ये सिंपल सी बात है कि सीधे तो चीज़ें रिलीज़ हो नहीं जाएंगी, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लागू किया गया। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर याद में रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो नीचे सेम ही चीज़ें दी गई हैं, लाइक बंगाली थिएटर के बारे में, भाई इतना ज़्यादा हमें बंगाली थिएटर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आखिर पढ़ने में तो अच्छा आता है, इंडियन होने के नाते हमको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आप समझो कि एस्पिरेंट की नज़र से चीज़ें सही नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर स्टार और मिनर्वा नाम के दो थिएटर्स की बात की है, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर आइडिया दे दिया कि देर वॉज समथिंग कॉल्ड स्टार थिएटर एंड मिनर्वा थिएटर। ओके, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं किसने बनाया कैसे बनाया। ओके, बस जब थिएटर वगैरह कहीं लिखने के लिए आ गया, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बनेगा, तब जा करके आप कहीं इसको लिख पाओगे। ओके, इस तरीके का। इसके अलावा कई सारे इंडिजीनियस फोक वर्जन भी थे, कई सारी थिएटर फॉर्म के, जिनको यात्रा कहा जाता था, और इन यात्राओं को बेसिकली बहुत फेमस यात्रा है जिसका नाम आपको मिलेगा, ये है आपका चरण कवि मुकुंदा दास, इनके द्वारा लिखा गया यात्रा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, और इसमें बेसिकली ये स्वदेशी वगैरह के बारे में, देखो जो केस हुआ उसके बारे में डिपिक्ट यहाँ पर किया जाता था, कोई इसमें आपके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब चीज़ें उभर करके आती थी। ओके, इसके अलावा आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक द वाइट माइस, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया, और ये ब्रिटिशर्स की जो बेसिकली आपका देखोगे कि अकाल वगैरह आ रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी मैंने आपको ये बताया कि कैसे परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो यहाँ पर लाए, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या आया और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलीं।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट यहाँ पर आए, ओके इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो अलमा आरा नाम में जब बोलने वाली पिक्चरें यहाँ पर बनने लगी, अभी तक सिर्फ डिपिक्शन यहाँ पर किया जाता था, ओके बोलते नहीं थे, लेकिन फिर बोलने वाली पिक्चरें जो हैं वो 1931 से यहाँ पर बननी शुरू हो गई। तो हमने जो है वो लोगों को बोल करके चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू किया, और साइलेंट फिल्म से जो है वो हम टॉक करने वाली पिक्चरों की तरफ यहाँ पर चले गए, जिससे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा संदेश यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। जैसे कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम बात करें, 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 1939 तक कलकत्ता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो फिल्म कम्युनिटी थी बेसिकली उनसे कहा कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सिनेमा के जरिए चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश यहाँ पर करो। तो ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया गया हर क्षेत्र के अंदर में। तो बोलने वाली पिक्चरें यहाँ पर बन चुकी थी, तो आप देखोगे कि बंगाली सिनेमा एक कदम आगे यहाँ पर बढ़ा। और इसके अलावा जो नोबल्स थे लाइक सत्येंद्रनाथ चटर्जी के थे, बंकिम चंद चटर्जी के थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनके नोबल्स को ट्रांसलेट करके लोगों तक यहाँ पर बताया गया, क्योंकि जो लोग पढ़ना मतलब नहीं जानते थे उनको यहाँ पर सुनने के लिए चीज़ें मिलने लगी। ओके तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि 1905 हुआ, ओके बंगाल विभाजन, उसके बाद कैपिटल जो है वो शिफ्ट की गई दिल्ली कलकत्ता से, और उसके बाद भारी मात्रा में फैमाइन यहाँ पर आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिपिक्शन जो है वो इन्फो बेसिकली कह सकते हैं कि सिनेमा के जरिए यहाँ पर किया गया। वर्ल्ड वॉर टू में कितने जो इंडियंस हैं वो मारे गए, या फिर इंडिया के लिए किस तरीके का डार्क पीरियड यहाँ पर आया, या ब्रिटिशर्स ने किस तरीके की पॉलिसीज अपनाई, उन सब के बारे में भी जो है वो चीज़ें यहाँ पर आएँ। जैसे पन्ना शाह जी की बुक है 1950 की, जिसका नाम है द इंडियन फिल्म, ओके 1942 से 45 तक किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई उसके बारे में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया। ओके तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे, बाकी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉर किस तरीके से हुए, फेमाइन है तो उसका फ़ायदा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उठाया, कितनी फैमिलीज जो हैं वो शिफ्ट हो गई, उन सब के बारे में भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। तो इस तरीके से जो फिल्म आपकी उसके ज़रिए चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की गई। आप देखोगे कि 1930 से लेकर के 1940 तक बंगाली सिनेमा के अंदर सोशल अवेयर के ऊपर फिल्म्स यहाँ पर तैयार होनी शुरू हुई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में, ओके तो किस तरीके से वो लोगों पर बेसिकली कब्जा कर रहे थे उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो तेज़ यहाँ पर हो गए, और अलग ही सोशल कंसेप्ट जो है वो उभर करके आया, इसको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया। पीजेंट हैं, वर्कर्स हैं, उनके राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया गया, और जो आपके सोशली कॉन्शियस और पॉलिटिसाइज्ड पीपल थे लाइक बंगालीज जो है वो बेसिकली सोशल आर्टिस्टिक या पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा यहाँ पर लेते थे, उनको भी जो है वो उनके लिए सरप्राइज़ यहाँ पर था। बेसिकली उन्होंने इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी थी, मतलब फिल्म टाइप की, लेकिन उन्हें पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पर है, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी जो है वो अपने सेंसरशिप रूल यहाँ पर चालू रखी रही। खैर ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों को पढ़ा जाए, ये सब इग्नोर करोगे ओके। और इसके अंदर अगर आप देखो तो ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, देखो एक आधा पॉइंट यहाँ से निकल भी आएगा पढ़ के, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मैगज़ीन एक और आई थी शायद फरवरी 2021 की, वो भी मैंने सिर्फ एक घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दी थी, उसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं थी, और आपने देखा कि हाँ वाकई काम की चीज़ें नहीं थी ओके। तो ये मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, जो सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर फैला, और ये जो है वो बेसिकली बात हो रही है अर्ली ट्राइबल अपराइजिंग की। तो ये आर्टिकल अच्छा है, और वैसे तो आपने काफ़ी सारे ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट हिस्ट्री की बुक में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं। 1857 से पहले भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट्स यहाँ पर हुए ओके। ब्रिटिशर्स ने जो है वो ट्राइबल एरियाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ट्राइबल्स से जो है एकदम कह सकते हैं कि उन्हें कह सकते हैं रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पर मिला। द फ्रीडम मूवमेंट और जो आपके 1857 से पहले हुए उनसे बाद में हुए उनको आप कह सकते हो ट्राइबल अपराइजिंग्स बिफोर 1857 या उसके बाद की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये ज़्यादा फैले ओके। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से चीज़ें बढ़नी शुरू हुई, 1757 बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर हुई, तो बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स यहाँ पर चले गए। 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो छत्तीसगढ़ को कैप्चर करने के एफर्ट यहाँ पर करने लगी थी, और अगर वहाँ पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिकली एरिया था वो नागपुर के जो मराठा रूलर्स थे उनके कब्जे में यहाँ पर था ओके। बाकी का कुछ एरिया जो है वो कुछ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में भी यहाँ पर था। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर 1800 तक सक्सेस यहाँ पर मिल गई, जब उन्होंने राजा ऑफ रायगढ़ के साथ
फैसिलिटी यहाँ पर साइन की और गवर्नमेंट को रायगढ़ के कुछ पार्ट जो हैं वो यहाँ पर दे दिए गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने मराठा एम्पायर को कब्जे में ले लिया, फिर नागपुर कब्जे में आ गया 1818 तक। ओके, हाउवर इन बस्तर साउथ ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथ में बस्तर और नॉर्थ में आपको मिलेगा यहाँ पर सुरजागा। ओके, यहाँ पर बेसिकली सेवरल ट्राइबल रेवेलियन जो हैं वो उठ खड़े हुए, कंपनी के जो गवर्नमेंट थे उसकी स्लेवरी के अगेंस्ट ये सब चीज़ें उभर करके आने शुरू हुई, ट्राइबल्स के राइट्स यहाँ पर हर्ट हो रहे थे, तो ये जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हलबा रेवेलियन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हलबा रेवेलियन जो है वो 1774 से 1779 तक यहाँ पर बेसिकली चला और जो अटैक्स वगैरह थे, ब्लडशेड वगैरह थे, वो सब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। बस्तर को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किंग ऑफ जयपुर की मदद यहाँ पर ली और उनके जो यंगर ब्रदर थे किंग ऑफ बस्तर के, जिनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, उनके साथ में एक जॉइंट आर्मी फॉर्म की और इस पर्टिकुलर एरिया को कब्जा करने की कोशिश यहाँ पर की। अजमेर सिंह आर्मी ऑफ हलबा ट्राइब्समैन कंक्लूसिवली डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी। आप देखो कि जो हलबा बेसिकली ट्राइब्स थी, कम्युनिटी थी, उन्होंने जो है वो मिल करके ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर डिफीट किया। दिस वॉर लास्टेड अंटिल द 1779। ओके, यहाँ तक ये वॉर यहाँ पर चली, ब्रिटिशर जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे। लेटर अगर हम बात करें तो दरियादेव सिंह, ओके, इनको किल्ड कर दिया गया, इन्होंने जो है वो अजमेर सिंह को किल्ड कर दिया धोखे से, और अजमेर सिंह जो है वो लीडर थे, नाम याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी कम लीडर्स के नाम जो हैं वो निकल करके आते हैं जो हमें पता चलते हैं, लेकिन जितने पता चल रहे हैं उनके तो नाम याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से धोखाधड़ी करके जो है वो एंटायर ट्राइब को धीरे धीरे ख़त्म यहाँ पर कर दिया गया, और ये इस तरीके की चीज़ें आपको हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो पहले शहीद के रूप में यहाँ पर उभर करके आए। इसके बाद फिफ्थ रेवेलियन जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ, छोटा नागपुर रीजन को कब्जा करने की कोशिश 1831 में यहाँ पर की गई, लेकिन कोल अपराइजिंग, वेरी फेमस, ये तो हर किसी को पता होगी। ओके, कोल अपराइजिंग जो है वो यहाँ पर उभर करके आई और ये जो है वो ट्राइबल लैंड पर कब्जा बेसिकली जो किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में उभर करके आई। ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया, बड़ी आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय की गई और इसके बाद सिक्स्थ रेवेलियन आपको देखने के लिए मिला 1833 में, जब ब्रिटिशर्स जो है वो बारघर को यहाँ पर कब्जा करने वाले थे। ओके, लेकिन अजीत सिंह की लीडरशिप के अंदर में जो बारघर के रूलर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का अपोजिशन यहाँ पर किया और अजीत सिंह जो है वो शहीद इसके अंदर यहाँ पर हो गए। इसके बाद सेवन्थ रेवेलियन हुआ, सेवन्थ रेवेलियन का मतलब सेवन्थ टाइम्स अपराइजिंग यहाँ पर हुई। ओके, सातवीं बार अपराइजिंग यहाँ पर हुई और 1842 के करीब बस्तर का तारापुर रीजन जो है उसको कब्जा करने की कोशिश यहाँ पर की गई। ओके, तारापुर के जो एडमिनिस्टर थे उनका नाम था दल गंजन सिंह। ओके, और ये जो है वो इन्होंने मना कर दिया कि हम एनुअल टैक्स जो है उसको बढ़ाएंगे नहीं। ब्रिटिशर्स ने कहा भी टैक्स बढ़ाओ, पैसा दो। ओके, वो यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया और ये जो है वो सोचा गया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबेलियन यहाँ पर हो रहा है और ब्रिटिशर्स ने आर्मी भेजी नागपुर में और सप्रेस करा इस चीज़ को। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ट्राइबल पीपल फेस द ब्रिटिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ दलगंजन सिंह। ओके, और ये लीडर उभर करके आए, नाम याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ओके, और ये चीज़ें यहाँ पर उभर करके आई। फिर एट्थ रेबेलियन यहाँ पर शुरू हुआ 1842 में साउथ बस्तर के अंदर दांतेवाड़ा इलाके के अंदर। ओके, तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस वगैरह की, ओके, बाई द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश रिगार्डिंग द कस्टम ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो ट्राइबल्स का अपना एक कंसेप्ट होता है। ओके, तो उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी, लेकिन एकदम से रेजिस्टेंस यहाँ पर नज़र आया। ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम नागपुर वॉज कॉल टू सप्रेस दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को सप्रेस यहाँ पर किया गया बड़ी आर्मी के द्वारा और आर्मी से लड़े लोग लड़े और आप देखोगे कि एक परमानेंट मिलिट्री सिस्टम जो है वो दांतेवाड़ा में फिर भी एस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया। ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो कस्टम है ब्रिटिशर्स ने इसको स्टॉप कर दिया। ट्राइबल पीपल्स को बेसिकली ये जो उनकी कस्टम थी इसके ऊपर रोक लगाने के लिए रूल्स बनाए गए थे। नया सिस्टम रेंट कलेक्शन के लिए उसको यहाँ पर लाया गया, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आने यहाँ पर शुरू हुए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स यहाँ पर लाए गए, लिक्वर के प्रोडक्शन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई जिससे कि ट्राइबल कल्चर जो कि अपने आप में यूनिक होती है उनके राइट्स यहाँ पर हर्ट हुए। राइट्स वाटर फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड इन मेजर्स को रेस्टोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिपेंडेंट जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हो रही थी उनको धीरे धीरे ख़त्म भी यहाँ पर किया। ओके, लेकिन ट्राइबल्स भी जो है वो इतनी जल्दी शांत होने वाले नहीं थे। ओके, काफ़ी भारी मात्रा में विद्रोह यहाँ पर देखने के लिए मिले।
और आप देखोगे कि यहाँ पर 8th ट्राइबल अपराइजिंग तक हमने यहाँ पर चीज़ों को पढ़ा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो सोनाकन में यहाँ पर हुआ, ओके। और 1857 के अंदर नारायण सिंह लीडर हैं, ट्राइबल लैंडलॉर्ड थे सोनाकन ऑफ रायपुर के, और इन्होंने जो है वो रिवोल्ट यहाँ पर किया। एक ड्रॉट बेसिकली यहाँ पर आया था जमींदारी एरिया के अंदर, पैडी डिपॉजिट जो है वो आपके मनी लेंडर के द्वारा लूट लिए गए थे, किसानों के पास खाने के लिए जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, और नारायण सिंह द्वारा जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर लोगों तक पहुंचाया गया। तो जो लोग भुखमरी से यहाँ पर मर रहे थे, अनाज को लूट करके गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया गया। ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी और उन्होंने जो है वो नारायण सिंह को एज अ रोबरी के केस में बेसिकली रोबरी का केस लगाया, ओके। और आप देख सकते हो कि ये चीज़ें फिर इस तरीके से यहाँ पर चलेंगी। स्टिल ऑन द कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर होल्डिंग ग्रेन्स सेल्फ रेस्पेक्टिंग नारायण सिंह वॉज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इम्प्रीजन कर दिया गया रायपुर जेल के अंदर। जस्ट स्टोरी की तरह समझते रहो, ज़्यादा दिमाग में इनको घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखो, वेरी फेमस नेम है नारायण सिंह का, ओके। और हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे तो ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। तो ब्रिटिश इन्फेंट्री उसको रायपुर में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, और ट्राइबल यूथ की भी अपनी आर्मी थी, दोनों के बीच में बेसिकली लड़ाई हुई, लेकिन नारायण सिंह जी को धीरे धीरे अरेस्ट कर लिया गया और पब्लिकली हैंग्ड यहाँ पर कर दिया 10 दिसंबर 1857 को, ओके। और ये जो है वो 1857 की क्रांति के पहले शहीद के रूप में जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ओके। और इनको जो वीर का टाइटल यहाँ पर दिया गया, ओके, ये चीज़ें मिलेंगी। 1858 के अंदर ट्राइबल पीपल्स ने रिवोल्ट कर दिया उदयपुर के अंदर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और जो बेसिकली किंग ऑफ उदयपुर थे उनके जो भाई थे उनको अरेस्ट कर लिया फिर, क्योंकि ये विद्रोह तो किसी कीमत पे बर्दाश्त ही नहीं था, ओके। और उनको जो है वो अंडमान जेल यहाँ पर भेज दिया गया। उसके अलावा पीपल थे मूरिया ट्राइब के बस्तर की, उन्होंने भी 1876 में रिवोल्ट यहाँ पर कर दिया। लार्ज ब्रिटिश आर्मी आई, सबको रिवेलियन को सप्रेस यहाँ पर कर दिया। तो ये कॉमन चीज़ें आपको पता है। इसके अलावा रानी ऑफ बस्तर, उन्होंने भी स्ट्रगल यहाँ पर किया। उसके बाद अगर हम देखें तो भूमकाल ऑफ बस्तर 1910 तक आते आते बस्तर के अंदर आप देखोगे स्पेशली आर्टिकल छत्तीसगढ़ के ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया, तो उसी एरिया पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। मूरिया ट्राइब्स मैन ऑफ बस्तर, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराने की भी यहाँ पर कोशिश की, ओके। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसे भी जो अपराइजिंग्स हैं वो यहाँ पर हुई, और इन्होंने जो है वो आर्मी को हराने के बाद मूरिया राज के नाम से बेसिकली अगर आप देखोगे सेटअप यहाँ पर किया। ये जो आपका आंदोलन था बेसिकली, या फिर आपका अपराइजिंग थी, ये आप देखोगे कि लेड की गई थी बाई गुंदा धुर, ओके। तो इनके द्वारा इसको यहाँ पर रेवेलियन को स्टार्ट किया गया था, और इसको प्लान करने का सारा श्रेय इनको जाता है। और ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स को टारगेट किया और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको अटैक यहाँ पर किया। और रेवेलियन के अंदर अगर आप देखें तो भारी मात्रा में लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई। इनिशियली आप देखो मूरिया राजवाज एस्टेब्लिश इन द होल ऑफ बस्तर रीजन फॉर सम टाइम, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे कि इनकी जो आर्मी थी वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है वो लार्ज यहाँ पर थी। फिर जो लोग पकड़े गए उनको पब्लिकली हैंग किया गया होगा, हार्श पनिशमेंट्स यहाँ पर दी गई होंगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन है छत्तीसगढ़ के अंदर ही, वहाँ पर भी ताना भगत मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है, बारे में भी याद रखना है, 1916 में स्टार्ट हुआ। आप देखो क्रोनोलॉजिकली हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और ये जो है वो 1918 तक यहाँ पर चला। इनिशियल फेज के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट यहाँ पर था, लेकिन फिर जो है वो नॉन वायलेंट यहाँ पर हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे जैसे कंट्री के अंदर शुरू हुए तो फ्रीडम मूवमेंट की जो दिशा है वो भी नॉन वायलेंस की तरफ को यहाँ पर जाती चली गई। उसके अलावा जंगल सत्याग्रह नाम से यहाँ पर चीज़ें चली, ये छत्तीसगढ़ का ही एक और मूवमेंट यहाँ पर है, जंगल सत्याग्रह 1922 में जो है वो इसको शुरू किया गया था। और बेसिकली अगर हम बात करें तो धमतारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नागारी है उसके नाम से यहाँ पर फेमस है, ओके। तो ये चीज़ें एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल में यूनिक प्लेस इसका यहाँ पर है, और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लेकर के जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट यहाँ पर लड़ाई की। लाइक वेजेस कम मिल रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर वुड खाना बनाने के लिए लकड़ी है उसको ले जाने के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर काम किया गया, बेसिकली उसके अगेंस्ट लड़ाई यहाँ पर की गई। अरेस्ट हुए, ओके, कई सारे लोग अरेस्ट हुए, कई सत्याग्रही हम इनको कहेंगे, ओके, इनको पनिश भी यहाँ पर किया गया। लेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चेंजेस लाए, अपनी फंक्शनिंग अच्छी की, ओके, और जो डिमांड्स थी उनको यहाँ पर माना जाने लगा। अगस्त 1930 तक जंगल सत्याग्रह जो है वो अगेन अलग अलग प्लेसेस में स्टार्ट होना शुरू हो गया छत्तीसगढ़ तक। ड्यूरिंग वन सच सत्याग्रह थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो गैदर हुए कहाँ पर, तामेरा नाम की जगह पर। एंड व्हेन द अथॉरिटी ट्राइड टू कंट्रोल द क्राउड अ वुमेन नेम्ड दयावती स्लैप्ड द ऑफिसर, ऑफिसर को स्लैप्ड कर दिया एक दयावती नाम की वुमेन ने।
सिचुएशन बर्स्ट हो गई, पुलिस आई पीपल्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, ओपनली फायर यहाँ पर की गई, और ये जो मूवमेंट है वो आपका मार्च 1931 तक चालू रहा, और ये जो है जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हुआ उस समय आकर के यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर चली, और इज़ नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ये कोई आपका सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट नहीं है, इंसिडेंट का इवेंट नहीं है, आप देखो कि कितने करेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, कितने हीरोज़ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट यहाँ पर किया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को यहाँ पर दिखाया ऑफ द पीपल, और इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ी। अभी आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है, आप देख सकते हो। ओके, तो इतना ही सफिशियंट था, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्रीडम सॉन्ग्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के कुछ फ्रीडम सॉन्ग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हम देखें शुरू में तो आप देखोगे कि ये जो सॉन्ग्स यहाँ पर थे, हमने थिएटर फॉर्म के बारे में जाना, हमने सिनेमा के बारे में जाना, हमने प्रेस के बारे में भी थोड़ा सा जाना, हम जो है अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं सॉन्ग्स के बारे में। काफ़ी सारे सॉन्ग लिखे गए, पूरा आर्टिकल काम का नहीं है, जहाँ जहाँ पढ़ाऊँ वहाँ वहाँ पर ध्यान देते रहना। बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर बनाए गए जो कि ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज़ को यहाँ पर दिखाते थे। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की लाइक खामती है, नागा, गारो, खासी, डफला, मिरी, इन सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने आप देखो कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। कहीं पर टैक्सेस लगाए गए तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, कहीं पर ड्रॉट, फेमाइन कंडीशन, फ्लड कंडीशन आ गई हैं तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कि इनके द्वारा मैसेज जो है उसको स्प्रेड किया जाता था, स्पेशली असम की बात यहाँ पर हो रही है, और ओरल पोएट्री उसको फॉलो यहाँ पर किया जाता था। 1830 तक ओरल पोएट्री के जरिए इन चीज़ों को यहाँ पर समझाया जाता था, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली घुसे जब ट्रीटी ऑफ यान डाबू यहाँ पर हुई। ओके, बर्मीज़ इन्वेडर के साथ इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1826 में। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री यहाँ पर मिली। आप देख सकते हो कि बर्मीज़ जो हैं उन्होंने असम और मणिपुर को तीन बार कब्जे में लेने की कोशिश की 1817, 1819, 1821, और बहुत सारा जो पार्ट है उसको यहाँ पर ऑक्यूपाई भी कर लिया। ब्रिटिशर्स असम के अंदर एंटर हुए और धीरे धीरे उन्होंने बर्मीज़ पॉपुलेशन को भी वहाँ पर हटा दिया, और टी और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज जो हैं उन पर कब्जा करने के लिए परमानेंट सेटअप वहाँ पर आपका बना लिया। ओके, मणिपुर के अंदर अगर हम देखें और असम के अंदर देखें तो लिटरेसी रेट कम थे, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ओरल लिटरेचर जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पर था, तो ओरली लोगों को चीज़ें समझ में आती थी। आप देखो कि थिएटर फॉर्म के जरिए भी ओरल चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती थी। इसी तरीके से आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट असम के अंदर उभर करके आया, इनका लीडर का नाम आपको याद रखना है, और ये जो लीडर हैं इनका नाम था आपका गोमधर कोनवार। इनको यहाँ पर क्रश कर दिया गया, इनका जो मूवमेंट यहाँ पर उभर करके आया उसको क्रश कर दिया गया, और बंगाल की प्रिजन में इनको यहाँ पर डाल दिया गया। ओके, और कस्टडी में इनकी मौत यहाँ पर हो गई। ओके, इसके अलावा सेकंड रेजिस्टेंस 1830 में उभर करके आया। ओके, 1830 में पियोली पुकन और जियोराम धूलिया बारुआ, ओके, इनके जो फोंग सॉन्ग्स थे वो जनता तक यहाँ पर फैलने शुरू हुए, तो धीरे धीरे इनको भी जो है वो दबाना शुरू कर दिया गया ब्रिटिश पॉलिसीज़ के द्वारा। तो ये सेकंड अपराइजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा असम के ग्रेटेस्ट हीरोज़ आगे आपके 1857 की क्रांति के, जिनका नाम था मनीराम देवान। ओके, और ये जो हैं इन्होंने भी कई सारे फोक सॉन्ग हैं, बैलेट्स हैं, इनमें पीपल्स तक इनको पहुँचाया, लोगों में मोटिवेशन यहाँ पर दिया। ओके, और ये काफ़ी फेमस हैं यहाँ पर, आप देखो इनका बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इन्होंने एक बेसिकली बैलेट वो भी कंपाइल किया, मनीराम देवनार मेलिटा। ओके, तो ये इस फॉर्म से बेसिकली बिहू पर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह भी यहाँ पर दी जाती हैं। ओके, तो काफ़ी फेमस ये यहाँ पर है, इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर फूलगढ़ी देवा जो कि इंडिया के फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम। ओके, तो ये जो है वो आपकी सेंट्रल असम के अंदर नगांव डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें यहाँ पर फैलनी शुरू हुई, और ओरल सॉन्ग इन्होंने यहाँ पर कंपोज़ किए। इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इनका नाम आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब इसके ज़रिए जो है वो धीरे धीरे इनको पुलिस ने उठा लिया। ओके, और अंडमान वगैरह में भेज दिया। फिर लोकल हिस्ट्री कहती है कि बहु कैवर्ता, ओके, ये बेसिकली एक फूलागढ़ी पीजेंट यहाँ पर थी। ओके, यहाँ पर ये अंडमान से वापस आई जब इनको यहाँ पर भेज दिया गया अंडमान वगैरह के अंदर, और जब ये यहाँ पर आई तो इन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से अंडमान में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो आपका पथारू घाट मैसेकर के बारे में भी यहाँ पर कंपोजिशन किया है। ओके, और इसमें कैसे पुलिस फायरिंग में लोगों को मारा गया उसके बारे में बताया गया।
और इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका कंपोजिशन मिल जाएगी वो है आपकी एक 132 लाइन की बैलेड है, जिसका नाम है धोली पूरन, और इसको जो है वो प्राणास के स्टाइल में यहाँ पर कंपोज किया गया है। और ये थोड़े थोड़े से पॉइंट यहाँ पर याद रखो, कम से कम नाम याद रखने की कोशिश तो आप करोगे, तो इस मैसेकर का नाम याद रखना, ठीक है? ये हिस्ट्री में फेमस यहाँ पर है, ओके, और ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे और मूवमेंट यहाँ पर उभर करके आने शुरू हुए, ओके। इसको इग्नोर कर सकते हो, ये मैंने आपको लाइन पढ़ा दी है, ये लाइन पढ़ा करके इसका मतलब यहाँ पर ही लिखा हुआ है, भारत दिस इज़ योर गिफ्ट, वी लिव फॉर यू एंड यू वी गिव आवर लाइफ, फॉर यू वी गिव आवर लाइफ। तो ये लाइंस जो है वो मैंने शुरू में यहाँ पर पढ़ाई थी। इसके अलावा 1917 तक राय चौधरी उभर करके आए, उन्होंने जो है वो ये सॉन्ग यहाँ पर लिखे, और इनके सॉन्ग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1921 में महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने अपनी पहली विजिट की असम के अंदर, तो राय चौधरी और करमवीर नवीन चंद्र वरदोलाई, ओके, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ये जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे सॉन्ग लोगों तक फ्रीडम और नॉन वायलेंस के मैसेज को स्प्रेड यहाँ पर कर रहे हैं। गांधी जी को बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें सुन के। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की 41वां सेशन हो रहा था, तब जो है इन दोनों कवियों के बारे में बात उस सेशन के अंदर में की गई, और कहा गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर फैलाते रहिए, ओके। ये चीज़ें आई। फिर ऐसे ही 1920 से 1940 के बीच में लार्ज नंबर ऑफ सॉन्ग्स और पोएम्स जो हैं वो असम के अंदर फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर उभर करके आने शुरू हुए। आप देख सकते हो बहुत सारे जो कवि हैं उनके नाम यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं। वन ऑफ द सेवरल ऑफ नवीन चंद्र बारदोई सॉन्ग बहुत सारे पॉपुलर भी हुए, जैसे आह्वान नाम का था, इन्वोकेशन नाम का सॉन्ग यहाँ पर आया, काफ़ी फेमस हुआ, लोगों से आह्वान किया गया कि सामने उभर करके आइए। ऐसे ही और पोएट्स हैं, इनका नाम याद आपको रखना है, जिनका नाम है ज्योति प्रसाद अग्रवाल, ओके, ये काफ़ी फेमस हैं असम की हिस्ट्री के अंदर, और इनके बारे में आपको याद रखना है। ये जो जितना दिया गया है इस पेज पर, ये इनके बारे में ही दिया गया है बेसिकली। अब ज्योति प्रसाद अग्रवाल काफ़ी सारी पोएम्स जो है वो इन्होंने कंपोज़ की, आप देख सकते हो लगभग 400 से अधिक पोएम्स और लिरिक्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर कंपोज़ की अलग अलग लिटरेचर भाषा के अंदर। ये इनकी इमेज है, इनके ऊपर डाक टिकट जो है वो भी यहाँ पर शुरू किया गया था। यहाँ तक इनके बारे में बताया गया है, इनकी कविताएँ लिखी हुई हैं, कविताएँ मैं नहीं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ओके। इसके अलावा और मेंशन आपको मिल जाएंगे, लाइक विष्णु प्रसाद राभा हैं, ये भी फेमस जो हैं वो आपके कवि यहाँ पर हुए, इनकी भी कविता यहाँ पर दी गई है, ओके। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे जीवा कांता गोगाई हैं, और इन्होंने भी काफ़ी फेमस कविता यहाँ पर लिखी हैं, ओके। तो इनके बारे में मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे अगर आप देखो कि ऐसी कविताएं आनी शुरू हुई जिसमें गांधी का रोल जो है वो उभर के आना शुरू हुआ, तिलक हैं, नेहरू हैं, सरोजनी नायडू हैं, इन जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर प्रोविंशियल लीडर्स लाइक नवीन चंद्र बारदोई हैं या गोपीनाथ बारदोलोई हैं, उनके बारे में जो है वो कहानी सॉन्ग्स के ज़रिए में उभार करके लोगों तक पहुँचाने की बात की गई। वन ऑफ द फेमस जो आपके सॉन्ग राइटर थे उनका नाम था भूपेन हजारिका, ये इनकी डेथ 2011 में हुई बेसिकली, और ये MLA भी रहे हैं बेसिकली असम के अंदर, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, नाम याद आपको यहाँ पर रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ओके। इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में जो सॉन्ग हैं वो भी यहाँ पर कंपोज किए, जैसे इनकी 10 लाइन की एक कविता यहाँ पर दी गई है, आप चाहें PDF डाउनलोड करें और पढ़ें, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से जो है वो आगे निकलने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, भूपेन हजारिका जी का, ओके। और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बाकी आप यहाँ पर आप देखो तो ये सब इग्नोर कर सकते हो, पढ़ा दिया है ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके बारे में इतना याद रखना, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर के अंदर में भी, ये तो बेसिकली असम की बात हुई, तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, मणिपुर के अंदर में भी काफ़ी कुछ निकल करके आया, जैसे अगर आप देखो तो लोगों में पेट्रियोटिज्म का सेंस बढ़ करके आया, और उसमें जो आपकी खोंगजोम पर्व है बेसिकली एक ट्रेडिशनल बैलेड ओरिजिनली कंपोज्ड यहाँ पर किया गया था, उसके ज़रिए जो नेशनलिज्म की भावना है वो यहाँ पर पहुँचाई गई, और इसमें जो आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स लाइक एंग्लो मणिपुरी वॉर है 1891 की, उसके बारे में बताया गया कि कैसे सेवरल हंड्रेड ब्रेव मणिपुरीज जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पर खोदी ब्रिटिशर से लड़ते हुए, और इसी सिलसिले में आपका खोंगजोम पर्व जो है वो उसको याद भी किया जाता है कि मणिपुरी सोल्जर्स जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लड़े, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखो, जस्ट इतना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम साहब के बारे में लिखा है, मैंने इनके बारे में आपको पहले भी बताया है कि ये जो हैं फेमस स्पेशली जो हैं वो बंगाल के थे, लेकिन हम इनको इंडो बंगाली भी यहाँ पर कहते हैं, इंडो बंगाली राइटर यहाँ पर थे, और साथ ही साथ एक यूथफुल रेबोलियन भी यहाँ पर थे। तो इनके बारे में अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो फ्रीडम की स्पिरिट थी,
फ्रीडम की भावना थी उस सबको बढ़ाने में काजी नजरुल इस्लाम साहब जो थे वो एक चीफ व्हीकल के रूप में उभर करके आए और इन्होंने लिटरेरी और पॉलिटिकल दोनों तरीके के एफर्ट के जरिए जो है वो यहाँ पर वर्क किया। अब हम आर्टिकल को पूरा डिटेल में नहीं देख सकते क्योंकि अकेले इन पर्सनैलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। हालांकि एज ए इंडियन हमको पता होना चाहिए, लेकिन एज ए एस्पिरेंट हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर भी करना सीखें। ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम क्लियर कर लेंगे अपना बेसिकली IAS का ये आपकी पोस्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें जब आपको आपका ये सब पूरा हो जाएगा तब देख लेंगे इन चीज़ों को। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम साहब जो हैं, आप देखो कि 1899 से 1976 एक क्रिटिकल पीरियड के रूप में मेजर आइकन के रूप में उभर करके आए। नेशनल मूवमेंट ऑफ बंगाल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन्होंने यहाँ पर प्ले किया। और अगर थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर देखने की कोशिश की जाएँ तो इनकी जो राइटिंग्स थी उनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ लोकल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल सिनेरियो भी यहाँ पर झलकता था। इंटरनेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी इन्होंने टारगेट किया। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि इंटरनेशनल डायमेंशन इन्होंने अपनी जो वार टाइम स्टोरी है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ एगोनी, जिसको कहते हैं बहतर डान, उसके अंदर में जो है वो दुनिया भर की स्टोरीज के बारे में बताया कि जैसे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में चीज़ें यहाँ पर हुई उसके बारे में बताया, कैसे बोल्शेविक रिवेलियन यहाँ पर हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो सिर्फ आपका लोकल नहीं, पूरा इंटरनेशनल तरीके का जो सोशियो पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है वो लोगों के अंदर में लाए गए। रेड आर्मी के बारे में इन्होंने बताया, पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में बताया, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया, ये चीज़ें उभर करके आएंगी। ओके, यंग तुर्क्स मूवमेंट के बारे में इन्होंने जो है वो यहाँ पर लिखा, यंग अफगान मूवमेंट भी जिसको कहा जाता है। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर उभर के आई। 1920 के अंदर 49th बटालियन जो है वो उसको डिसबैंड कर दिया गया और नजरुल जो है वो बंगाल वापस आए। ओके, और काफ़ी कुछ फिर जो बंगाल में ओप्रेसिव पॉलिसीज चल रही थी उनके अगेंस्ट में लिखा, गांधी जी से मिले। ओके, और गांधी जी के साथ मिलकर के जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह था उसको सपोर्ट यहाँ पर किया। ओके, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बाकी देखो अभी हम इस पर 5 मिनट पहले ही लगा चुके हैं। बाकी अगर हम आगे देखें तो इन्होंने एक वीकली भी शुरू किया गया था जिसका नाम था आपका द कॉमेट, धूमकेतु नाम का, और इसमें भी जो है वो सेम चीज़ें ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर फैक्टर थे और मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यहाँ पर कोशिश की अपना जो न्यूज़पेपर था उसके ज़रिए। और इनके बाद अगर हम बात करें तो धूमकेतु में कई सारे एडिटोरियल भी थे जिसके ज़रिए लोगों तक चीज़ों को पहुँचाया जाता था। उसके अलावा इनको जेल भी यहाँ पर हुई। ओके, और जेल होने के साथ साथ आप देखोगे कि हंगर स्ट्राइक वगैरह भी की इन्होंने यहाँ पर, और सिंपैथिक प्रोटेस्ट हैं ये सब यहाँ पर किए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके साथ में भी ये रहे, जैसे टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके साथ में रहे, सीआर दास हैं। ओके, उनके साथ में मिलकर के वर्क किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड यहाँ पर थे। ओके, इन्होंने जो है वो लेबर स्वराज पार्टी के जो ऑर्गन्स हैं उनको एडिट किया। ओके, साथ ही साथ फर्स्ट सोशलिस्टिक फॉर्मेशन भी किया बंगाल के अंदर जिसका नाम था लंगल। ओके, द पिलो इस नाम से इन्होंने जो है वो इसको लॉन्च यहाँ पर किया, ये नाम याद रखिएगा। ओके, ये वाला, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कुल मिला के सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर, कैसे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, कैसे इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं, उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। ओके, इसके अलावा जो नजरुल साहब की बहुत सारी बुक्स यहाँ पर दी गई हैं, खैर इग्नोर मारो यहाँ पर। ओके, और इस पूरे पैसेज को यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसके बारे में भी बताया। ओके, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर में आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन में तो पार्टिसिपेट किया ही किया, उसके अलावा ये चीज़ें भी यहाँ पर उभर करके आईं। हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में रुद्रा है, ईशान है, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया। ओके, ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हिंदी लिटरेचर का क्या रोल रहा शेप करने में कॉन्शियसनेस को। तो इंडियन मासेस के अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ानी थी तो जो आपका हिंदी लिटरेचर है उसने काफ़ी अच्छी मदद यहाँ पर की। तो देख लेते हैं ज़रा सा, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने वाले इधर हम। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी नेशन या उसके करंट कंटेक्स्ट को समझना है तो हमें समझना होगा कि कैसा फोक और राइटिंग्स वगैरह वहाँ पर होती हैं, क्या आइडियोलॉजी है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ऐसा ही सेम सिलसिला जो है वो हम इंडिया के केस में भी यहाँ पर करेंगे और वहाँ पर जो लिटरेचर बेसिकली डेवलप हुआ अलग अलग भाषाओं के अंदर। ये आर्टिकल हिंदी के ऊपर है तो हिंदी लिटरेचर की बात हो रही है, हिंदी लिटरेचर जैसे जैसे डेवलप हुआ तो उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रही होगी और उससे किस तरीके से निपटा गया होगा।
जैसे दो फेमस पर्सनैलिटी जयशंकर प्रसाद जी का नाम आप में से सभी ने सुना होगा, ओके, ये आपको क्लास 8 तक में पढ़ा दिया जाता है हिंदी में, ओके। इन्होंने लिखा है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इन्होंने इस देश के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की है, ओके। तो इस तरीके की कविताएँ जो हैं वो यहाँ पर लिखी गई। अब मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, ओके, पूरा आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि ऐसा सब यहाँ पर चलता था। तो जयशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी भारी पोएट्री यहाँ पर लिखी है, अलग अलग तरीके की जो फीलिंग्स हैं, स्पेशली नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो इंडियन नेशन के अंदर यहाँ पर बेसिकली प्रवाहित की हैं, ओके। और इन्हीं के साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल हैं, ओके, आपको मिलेंगे आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं, राम विलास शर्मा हैं। ये जो लीडर्स हैं इनके नाम अगर याद रख सकते हो तो रख लो, हिंदी लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो हैं वो अपनी कलम का इस्तेमाल किया उनसे लड़ने के लिए, और हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इन्होंने यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर में क्रिएट की, ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1857 से लेकर के 1947 तक किस तरीके से जो नेशनलिज्म है उसका फॉर्म यहाँ पर हुआ, तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है वो ये लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। वैसे तो हमें पता है लेकिन लिटरेचर के जरिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर यहाँ पर होती हैं। सब कुछ क्लियर होता है कि कैसे गांधी जी के पीजेंट मूवमेंट उभर करके आए, कैसे अम्बेडकर के दलित जो रेफरेंस में मूवमेंट्स यहाँ पर उभर करके आए, भगत सिंह ने किस तरीके से रिवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म है उसको बढ़ावा दिया, या सुभाष चंद्र बोस का जो रेडिकल नेशनलिस्ट एटीट्यूड था वो किस तरीके था, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं, इन सब जैसे हिंदी राइटर्स के लेखों में ये चीज़ें पता लग जाएंगी। राइटर्स जो आपको ये तीनों मैंने राइटर्स बताए ये देखते हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो कास्ट के सिलसिले में यहाँ पर चलती थी, मतलब कास्ट के कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा कुछ राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वे इसको हाइपोथेटिकल कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं, इसको सिविलाइजेशन के रूप में यहाँ पर देखते हैं। ऐसे बहुत सारे नोबल्स लाइक गोरा, गीतांजलि उभर करके आने शुरू हुए जो कि बेसिकली स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोकस करते हैं कि जितने भी रेवोल्ट यहाँ पर हुए या जितने भी विद्रोह हुए वो स्पेशली एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पर हुए। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश होती हैं, बट द फोक मेमोरीज और वेरियस वर्जन ऑफ फोक क्रिएशन जो हैं वो कुछ और ही बातें यहाँ पर कहते हैं। देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म एंड इट्स हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इन टू द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हम 1857 से 1947 के मूवमेंट्स को अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले आपका स्ट्रगल हुआ 1857 का, फिर उसका मतलब कल्मिनेशन भी यहाँ पर हुआ, ओके, फिर 1873 में इंडियन लिटरेचर प्रेस जर्नलिज्म उभर करके आया, उसका राइज यहाँ पर होना शुरू हुआ। 1885 से कांग्रेस का राइज होना शुरू हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लासेस जो हैं वो बननी शुरू हुई, फिर आप देख सकते हो बंगाल पार्टीशन है, या 1917 जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की यहाँ पर शुरुआत होनी शुरू हुई, गांधी अंबेडकर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स के कुछ और नए कह सकते हैं सेनानी उभर करके यहाँ पर आए, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर हुआ, लिबरेशन कंटेक्स्ट, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, इस छोटे छोटे पार्टीशन में हम डिवाइड करके ही तो हिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ते हैं, ये चीज़ें उभर करके आनी शुरू हुई। इन सभी लिटरेचर जो आपको इन कंटेक्स्ट के बारे में बताते हैं ये बताते हैं कि कैसे सोसाइटी का एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर हुआ, इकोनॉमिकली जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला, ओके। लाइक द वेरी फेमस राइटर प्रेमचंद्र, उनकी बुक यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड गोदान, ये 1936 में पब्लिश हुई, लाइन याद रखनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया गया कि कैसे पीजेंट नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर उभर करके आया, ओके, ये आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें 1973 का पीरियड, उसमें लिटरेचर प्रेस जर्नलिज्म उभर करके आया और कई सारे रूल्स और एक्ट यहाँ पर बनाए गए जो कि लिटरेचर जर्नलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थे, और ब्रिटिशर्स की नज़र में ये जो हैं वो अगेंस्ट द ब्रिटिश शासन के रूप में थे, इसलिए इनको बंद किया गया। बंगाली स्पीकिंग सोसाइटी नॉर्थ इंडिया के अंदर में उन्होंने हिंदी बंगाली इन सब चीज़ों को यहाँ पर उनके ज़रिए इंटेलेक्चुअल नेशनलिज्म जो है वो उभर करके आया। दो एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किए गए, एक था आपका प्रेस एक्ट और एक था आपका आर्म्स एक्ट, इन दोनों के द्वारा जो है वो इन चीज़ों को बैन करने की कोशिश की गई, कई सारी बुक्स उनको बैन कर दिया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी था आपको, ओके। लाइक बालकृष्ण भट्ट जी की बुक है हिंदी प्रदीप, प्रेमचंद जी की बुक है सोजे बतन, इनको बैन यहाँ पर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये जो है वो डीप कॉन्शियसनेस जगाती थी मासिस के अंदर कि आप जो है वो ब्रिटिश राज का अगेंस्ट खड़े हो, लेकिन ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे, तो इस वजह से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, ओके। तो ये आप बड़ा रोल यहाँ पर उभर करके आया। ऐसे ही आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन्होंने यहाँ पर प्ले किया है। ऐसे ही आपको महेश नारायण मिल जाएंगे, उन्होंने स्वप्न नाम की जो पोयम है वो यहाँ पर लिखी है, काफ़ी फेमस है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
कई सारे राइटर्स ने इसको जो है वो पर्टिकुलरली रिलीजन के तौर पर उभार करके लाना यहाँ पर शुरू भी किया। ओके, उसके बाद 1885 में आपकी कांग्रेस उभर के आई और नए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उभर के शुरू आने शुरू हुए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये जो हैं इनके अलावा और पोएट्स लाइक महेश नारायण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर हो गए जब आपका इंग्लिश एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई और कांग्रेस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ये आपको मिलेगा कि नेटिव लैंग्वेज के चलते चीज़ों को फैलाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। ओके, इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाने लगा जिससे मिडिल क्लास के अंदर में फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पर वो फैलना शुरू हुआ और आपको कई सारे नोबल मिल जाएंगे जो इस तरीके के काम करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर में दलित रहनेसो उसका भी उद्घाटन यहाँ पर हो चुका था। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर के जो प्रहार यहाँ पर किया उसकी भी चोट ब्रिटिश जो शासन है उसको उखाड़ने के लिए ज़रूरी यहाँ पर हो गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आईं। फिर आपके अंबेडकर जो हैं वो यहाँ पर आए और उसके अलावा आप देखोगे कि हिंदी के अंदर जैसे राधा मोहन गोकुल हैं, उन्होंने दलित्स और वुमेन इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर लिखा। उनका एक काम है जिसका नाम है अंग्रेज़ डाकू। ओके, तो इसके इनके बारे में 1910 में यहाँ पर लिखना शुरू किया और इसको जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन भी यहाँ पर कर दिया गया। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो उभर करके आनी शुरू हुई। 2, 3, 4, 5 नाम याद रखो सफिशियंट है। इसके बाद फिर पार्टीशन हुआ बंगाल का। ओके, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत 1905 जब होनी शुरू हुई तब आपका उभर करके आया रविंद्रनाथ टैगोर जी का गीतांजलि नाम का उपन्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है। और ये जो है वो बेसिकली बंगाल पार्टीशन के ऊपर ही था और पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाला ये उपन्यास उभर करके आया। इंडिया को भी इसने यहाँ पर अफेक्ट किया। इन्होंने बताया कि कैसे पीजेंट सेंटर्ड कल्चरल नेशनलिज्म बढ़ाया जाए, कैसे इंडियन नेशनलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। ये सब प्रेमचंद्र जी ने भी अपनी बुक्स के अंदर में इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की है। तो गीतांजलि के बारे में आपको यहाँ पर पता होगा, वेरी टचिंग जो है वो आपको यहाँ पर ये उपन्यास मिल जाएगा। इन्होंने स्पेशली बंगाल सिचुएशन के बारे में लिखा और ये सब जो टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर आप पीजेंट नेशनलिज्म देखो वो भर करके आना शुरू हुआ। नेशनलिस्ट लीडर लाइक गांधी जी जो हैं वो इन्होंने इस चीज़ को उभारना शुरू किया। किस चीज़ को? पीजेंट नेशनलिज्म मूवमेंट को। ओके, इसके अलावा कुछ और इमिनेंट लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने भी मूवमेंट को ज्वाइन किया। और गांधी जी की एंट्री जब 1917 में हुई तो इसको स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा मिल गई। तो गांधी जी का भी इन्फ्लुएंस जो है वो 1917 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही गांधी जी जो है वो वापस आए, सीधे आते ही जो है वो चंपारण गए और चंपारण जो है वो एक नेशनल इवेंट के रूप में उभर करके आया और पीजेंट नेशनलिज्म की शुरुआत यहीं से ही हुई। ओके, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन्होंने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और एक फोक पोएट हैं कारी बोली। ओके, और उन्होंने इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि एक संत था जो साबरमती से चला था और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओके, तो गांधी जी के बारे में प्रेज में ये बातें लिखी गई हैं और ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट तक जो गांधी जी हैं उनका ये पीजेंट नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था वो फैला हुआ था। आप देखो कि एक लाइन लिखी गई, ओ महात्मा गांधी हमारे राजा बन जाइए, आइए जी आइए। ठीक है, ये लाइन लिखी गई, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि मूवमेंट जो है वो इस तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर आया और जो आपके रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हुई। चोरा चोरी कांड हुए, डू और डाई का नारा दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। तो इससे जो है वो आपके ये जो मूवमेंट्स हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए। गांधी जी के प्रेज में काफ़ी सारी लाइन्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी गई जिससे कि जो है वो ब्रिटिशर्स को डर भी लगा। और आपने हिस्ट्री पढ़ी है इतनी तो कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि क्या सिचुएशन रही है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इस तरीके से आप देखो कि इंडियन नेशनलिज्म 1857 से लेकर के 1947 तक अलग अलग पॉइंट्स के अंदर में यहाँ पर दिया गया कि किस तरीके से उभर के आया और उसमें आखिर जो इंडियन लिटरेचर है या हिंदी लिटरेचर है उसका क्या रोल यहाँ पर रहा। ओके, तो सफिशियंट है, हर किसी का रोल रहा, हर कोई इशू जो है वो उठाया गया इन हिंदी लिटरेचर के ज़रिए। ये सब चीज़ें सफिशियंट है, इतना पढ़ो, छुट्टी करो। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ उर्दू लिटरेचर। जो उर्दू लिटरेचर के बेसिकली कुछ आप ये देखोगे कि राइटर्स हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं तो ये आर्टिकल को आप यहाँ पर इग्नोर करोगे, आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स बाय वुमेन। तो कुछ वुमेन राइटर्स की बात यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो वुमेन राइटर्स की बात करने की कोशिश करें तो बेसिकली वुमेन के जो इश्यूज़ थे उनको उभारा तो जा रहा था लेकिन वो उतनी तेज़ी से राइज यहाँ पर नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए वुमेन राइटर्स जो हैं वो यहाँ पर उभर करके आने शुरू हुए। ओके, और जो समाज के अंदर चीज़ें यहाँ पर चल रही थी उनके अगेंस्ट चीज़ें आनी शुरू हुई, जैसे कॉलोनियल वे ऑफ लाइफ और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के बीच में कन्फ्लिक्ट होने शुरू हुए या अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते जो क्लैसेज या स्ट्रगल्स यहाँ पर हुए उससे अलाउ हुआ कि वुमेन के इशूज़ को उठाने की ज़रूरत है। और इसके लिए कई सारे जो इंडियन
इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें आप देखोगे कि वुमेन्स जो हैं उनको पहले एजुकेशन नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन उभर करके आनी शुरू हुई। ओके, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स देखने के लिए मिलते थे। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, तारकनाथ विश्वास रोट इन द प्रीफेस ऑफ वंज्य महिला, देयर हैव बीन अ वेरी फ्यू बुक्स विच आर वर्दी ऑफ वुमेन। इन्होंने लिखा, तारकनाथ विश्वास जी ने लिखा है कि यहाँ बहुत कम बुक्स हैं जो वुमेन के पढ़ने लायक हैं। भाई ऐसी कौन सी बुक हैं जो मैन के पढ़ने लायक हैं, वुमेन के पढ़ने लायक नहीं है? तो ये बात गलत आई, ये सब जो चीज़ें हैं वो उभर के आई। म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट यहाँ पर उभर करके आ रहा था क्योंकि महिलाओं को शिक्षा की अनुमति पहले नहीं थी। ओके, रमाबाई जैसे लीडर्स यहाँ पर उभर करके आई। ओके, और इन्होंने जो है वो अमेरिकन जो रीडर्स थे लाइक इन हिंदू स्त्री का जीवन, उसके अंदर में ये बुक के अंदर में बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर लिखा। ओके, और ऑल ऑफ यू हु आर रीडिंग दिस बुक थिंक अबाउट द वुमेन ऑफ माय कंट्री एंड वेक अप। तो ये जो है वो बुक इन्होंने यहाँ पर लिखी जो अमेरिकन रीडर्स थे उनको अवेक करने के लिए कि कैसे जो है वो हमें यहाँ पर हमारी जो मिजरीज हैं उनसे उभारने के लिए यहाँ पर कुछ किया जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें उभर करके आती हैं। द एनालिसिस ऑफ वुमेन ऑटोबायोग्राफी हेल्प्स टू ब्रिंग द फोर ऑफ हर सोसाइटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में उसकी क्या सिचुएशन है, कम्युनिटी में क्या सिचुएशन है, क्या एगोनी है, क्या ट्रॉमा है, और जेंडर डिफरेंसेस जो देखने के लिए मिल रहे थे उनके बारे में इस ऑटोबायोग्राफी से नज़र आता है कि क्या क्या इशूज उस समय पर यहाँ पर रहे होंगे। इन रिसेंट ईयर वुमेन्स राइटिंग हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। आज के समय में तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, वुमेन्स राइटिंग स्किल्स बेसिकली, लेकिन पहले ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा सही नहीं थी। 1920 में जो मुस्लिम वुमेन हैं इलाइट फैमिलीज़ की, उनको इंग्लिश स्टडी करने की जो बेसिकली उन्होंने इंग्लिश को स्टडी किया, नया एरा ऑफ एजुकेशन यहाँ पर शुरू हुआ, एजुकेटेड वुमेन आनी शुरू हुई। ये नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं क्योंकि बहुत कम लोग इन नाम के बारे में जानते हैं, जैसे द वुमेन्स लाइक मोहम्मदी बेगम है, नज़र सजाद हैदर हैं, या फिर आपके अब्बासी बेगम हैं। इन्होंने जो हैं वो मैगजीन्स पब्लिश करने स्टार्ट की, लेटर्स, प्रोज, डायरीज, पोएम्स, ये सब यहाँ पर इन्होंने लिखे और वुमेन्स की जो कंडीशन थी सोसाइटी के अंदर उसको उभार करके लाना शुरू किया। जैसे बेगम सुल्तान जहाँ की ऑटोबायोग्राफी भोपाल की थी, ओके, और तीन पार्ट्स में पब्लिश हुई, उर्दू, इंग्लिश में। ओके, और इन्होंने जो कॉलोनियल पावर है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा, और राइज ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज़ के बारे में लिखा, सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा। शी वॉज द सुल्तान ऑफ भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट की सुल्तान भी यहाँ पर बनी। इन कंपेरिजन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने एस्टेब्लिश किया इस्लामिक कस्टम को। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर याद रखनी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी से ये सब चीज़ें यहाँ पर पता लगती हैं। तो जो इलाइट वुमेन थी इन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन करने का तरीका जो है वो यहाँ पर ईजाद किया, और ईजाद करने के बाद कई सारी राइटिंग्स जो है वो यहाँ पर लिखी गई, और हर वुमेन को बताया गया कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से आप जो है वो सोसाइटी में जो है वो एक जो जेंडर के इश्यूज हैं उनको उभार करके लाने की कोशिश यहाँ पर की गई। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको और राइटर हैं लाइक बेगम अनीस किडवाई हैं, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था गुब्बारे करवान। ओके, और ये जो है वो ओरिजिनल उर्दू में यहाँ पर प्रकाशित हुई। वैसे मैं उर्दू लिटरेचर को ऊपर इग्नोर कर चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी और उसकी कसर पूरी हो गई है। ओके, तो ये आप दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखोगे कि जो वुमेन थी यहाँ पर किस तरीके से उभर के आई, साथ में उर्दू लिटरेचर की भी बात यहाँ पर हो रही है। ए रेजिडेंस फ्रॉम बाराबंकी उत्तर प्रदेश, अनीस रोट ए मेमोयर टाइटल आज़ादी के छाँव में, इस तरीके की जो लाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी गई, ये राइटिंग्स यहाँ पर की गई, और इससे जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान राइट्स यहाँ पर हुए, रेफ्यूजी यहाँ पर हुए, उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर उभर करके आती हैं कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे यहाँ पर काम हुआ। द एक्सपीरियंसिस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर आर रिकॉर्डेड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव बेगम काजी अजीज रसूल। इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पावर के बारे में लिखा, और जो इन्होंने टाइटल लिया इसका वो था फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, कैसे पर्दा सिस्टम से हट करके वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठे। ओके, बैठी। ओके, उनके बारे में ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई, पॉलिटिकली एक्टिव थी। ओके, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया। और ये जो है वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट रहीं काउंसिल में 1937 से लेकर के 1940 तक। इंडियन मुस्लिम वुमेन के लिए एक मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का सोर्स जो है वो उभर करके आई, पैट्रियार्कल जो सिस्टम था उसको यहाँ पर तोड़ा। ओके, और इनकी ऑटोबायोग्राफी से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आर्टिकल को इग्नोर करो। और कोई ख़ास नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, दो चार नाम जो दिए गए थे लाइक बेगम अनीस किडवाई हैं उनका नाम आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है गांधीयन इन्फ्लुएंस और स्वदेश अभिमान, ये शायद लास्ट आर्टिकल है। ओके, और इसको पढ़ने के बाद हम इसको ख़त्म करने वाले हैं जल्द ही, और काफ़ी बड़ी खिंच गई, सोचा नहीं था इतनी बड़ी खिंचेगी वीडियो। खैर, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो इसके अंदर अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी आपको पता है रिटर्न हुए इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से 1915 में, और साबरमती आश्रम फाउंड किया 1917 में, गुजरात विद्यापीठ भी बनाई 1920 में। ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन थे, साबरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ, ये दोनों पिवोटल रोल प्ले करते थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, गुजरात के अंदर स्पेशली। अब यहाँ गुजरात की बात की गई है, हमने इंडिया के अलग अलग देशों की अलग अलग इलाकों की बात की, लाइक नॉर्थ ईस्ट की बात हमने की, हमने छत्तीसगढ़ की बात भी यहाँ पर की, ओके। लाइक अब हम गुजरात की बात यहाँ पर जो है वो बेसिकली कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। तो गुजरात में फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो इस तरीके से इनिशिएट हुआ। बहुत सारे स्कॉलर्स, राइटर्स, लाइक इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उमाशंकर जोशी हैं, सुंदरम है, पंडित सुखलाल जी हैं, ओके, इन सब लीडर्स जो हैं वो उभर के आए, और स्पेशली गुजरात लिटरेचर जो है वो उसको मजबूती यहाँ पर मिली, और इसके अंदर जो गांधी जी का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन फेमस लीडर जिनका नाम आपको जुबान पर याद रखना है वो हैं आपके काका साहेब कालेलकर, और इन्होंने जो है वो गांधीयन थॉट्स के इन्फ्लुएंसेस को उभार करके लाने की कोशिश की, और इनकी पोयम है जिसका नाम है गुलाम, उसके अंदर में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि कैसे फ्रीडम की खोज में हम भटकते रहे और कैसे कितने दर्द हमने यहाँ पर सहे, उनकी लाइन्स आपको मिल जाएगी। लाइन लिखी हुई है, एम आई अ स्लेव, द एंटायर नेचर इज फ्री, द प्रीसियस फ्लोवर ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इज अ स्लेव, ओके। लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखी। ऐसे ही और लीडर थे लाइक उमाशंकर जोशी हैं या सुंदरम हैं, इनके साथ ही काका साहेब कालेलकर भी यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, और इन्होंने जो है वो आपका फ्रीडम मूवमेंट फॉर्मल एजुकेशन को लेफ्ट करके फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन यहाँ पर किया, और कई बार जेल भी यहाँ पर गए। आप देख सकते हो कि बिशपुर जेल के अंदर उमाशंकर जोशी हैं, उन्होंने सपना भरा नाम से जो है वो बेसिकली द स्टेक ऑफ स्नेक नाम से पोएम कलेक्शन भी यहाँ पर जो है वो किया, ओके, और इससे जो है वो ट्री ऑफ फ्रीडम की स्थापना उन्होंने यहाँ पर की, ओके। गांधी युग यहाँ पर शुरू हुआ, और उमाशंकर जोशी, सुंदरम जी जो हैं उन्होंने गांधी जी के जो व्यूज़ हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की, ओके। कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, बाकी सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपको और पोएट्री कलेक्शन मिल जाएंगे, लाइक बाई जावेर चंद्र मेघानी हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में यहाँ पर लिखा, ओके, और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में भी यहाँ पर लिखा। अदर देन पोएट्री, द एसेंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ नॉबल्स और राइटिंग्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। वन ऑफ द रिमार्केबल नॉबल जो है उसका नाम है बरेलो अग्नि, द फायर विद इन, और ये लिखा गया है बाई रमन लाल विदेसाई के द्वारा। इस बेसिकली नॉबल के अंदर आप देखोगे 1857 के फ्रीडम मूवमेंट के साथ में लिखा गया, और गांधी जी के थॉट से इन्फ्लुएंस था ये पूरा का पूरा जो नॉबल है, ओके। और इसमें जो ये बताया गया कि कैसे गांधी जी के जो थॉट्स हैं वो पूरे मासिस को यहाँ पर इम्पैक्ट करते थे। एक और नॉबल है जिसका नाम है पदर नतीरथ पिलग्रिमेज प्लेस एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, और ये जयंती दलाल जी द्वारा लिखा गया। इसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कैसे प्रोटेस्ट किए गए उनके बारे में लिखा गया, ओके। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बाकी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और इनके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ और राइटिंग्स वगैरह हैं, खैर इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा। कुछ गुजराती लिटरेचर्स हैं, उन्होंने मंगल पांडे जी के बारे में भी यहाँ पर लिखा, ओके। नाना साहेब हैं, मंगल पांडे हैं, या फिर कुछ और रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में लिखा गया, ओके। ये सब चीज़ें हैं। ख़त्म करते हैं मैगज़ीन को, और भाई इतना ही पढ़ लो, सफिशियंट है। मंगल पांडे इज़ अ प्ले बाई जयंत खत्री, ओके, जयंत खत्री जी द्वारा लिखा हुआ प्ले है मंगल पांडे नाम का, 1857 के रिवोल्ट को यहाँ पर दर्शाता है, और गुजराती लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, और मंगल पांडे जी का क्या रोल रहा उसके बारे में बताता है यहाँ पर। उसके अलावा पंडित युग, गांधी युग और सुधारक युग नाम से कई सारे गुजराती लिटरेचर और भी लिखे गए, जिसमें गांधी जी के अराइवल से लेकर के उनके मृत्यु तक सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया, ओके। सिर्फ गांधी जी नहीं, और भी लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर थे, उनके बारे में भी बताया गया, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी पढ़ करके इनको एंड करना है भाई। 54 पेज थे मैगज़ीन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन भी यहाँ से निकल करके आएगा पूरी मैगज़ीन से, लेकिन मेरा काम है ख़त्म कराने का मैगज़ीन को, तो मैंने इसको ख़त्म कराया। थोड़ा सा बोरियत भी लगती है, देखो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप एज ए इंडियन इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन एज एन एस्पिरेंट आप इसके नोट्स जो हैं वो ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहे। एक दो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए उसके नोट्स बनाएं, सफिशियंट है, बाकी पूरी मैगज़ीन को इग्नोर करने की कोशिश करें एज ए एस्पिरेंट। एग्ज़ाम निकालना है कि नहीं निकालना है, ओके, भावनाओं में बहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, इंडियन है, प्राउड होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए,
लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ये भी सोचो कि हम यूपीएससी की तैयारी में घुसे हैं, तो भावनाओं को थोड़ा काबू रखना हमें सीखना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समझो कि आखिर इतना जल्दी और ये सब तरीके से क्यों मैगजीन को ख़त्म किया गया है, आखिर एस्पिरेंट होने के नाते आपको इतना तो समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ अब इसकी ज़्यादा लेंथ को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ही कह करके वीडियो को एंड करते हैं। शेयर कर देना अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए।